वेलकम टू आईआईटी केडीयू। यह हमारा स्पेशल करंट अफेयर्स कैप्सूल है फॉर रेलवे एएलपी एंड एसएससी सीजीएल 2018 एग्ज़ाम के लिए, जिसमें मैंने अक्टूबर 2017 से फरवरी 2018 के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें एंड हमारे वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। अब आप हमारे वेबसाइट aditic.edu.aditic.in और aditic.in पर लॉगिन करके फ्री में SBI, SSC एंड रेलवे के डेली क्विज को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ में फ्री में टेस्ट और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ नेशनल। इसमें हमारा पहला करंट अफेयर है द इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2018 हेल्ड इन। जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस हुआ था फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर का, वो हुआ था हमारा बेंगलुरु में। कहाँ हुआ था हमारा? बेंगलुरु में। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स DOP, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर अलोंग विद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब यहाँ से स्टैटिक जीके आप देख लीजिएगा कि तीनों के जो है वो हेड कौन है। अभी यहाँ से स्टैटिक जीके आपका बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर हुआ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2018 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2018 हुआ वो हुआ हमारा न्यू दिल्ली में। इसका जो थीम था वो था द थीम ऑफ द समिट इज पार्टनरशिप फॉर ए रेजिलिएंट प्लैनेट सीकिंग टू क्रिएट एक्शन फ्रेमवर्क टू रिजॉल्व सम ऑफ द मोस्ट अर्जेंट चैलेंजेस फेसिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज इन द बैकड्रॉप ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2018 कहाँ हुआ, तो हमारा आंसर होगा न्यू दिल्ली में। थीम भी इंपॉर्टेंट है तो थीम भी याद कर लीजिएगा इसका। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ द सिक्स कॉन्फ्रेंस ऑन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA ऑफ इंडिया रीजन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन। जो सिक्स कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का जो भी कॉन्फ्रेंस हुआ हमारा वो हुआ पटना में। तो सिक्स कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया रीजन कहाँ इनॉग्रेट किया गया, तो पटना में किया गया। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैज इनॉग्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ थिएटर ओलंपिक इन। जो 8th एडिशन ऑफ थिएटर ओलंपिक हुआ वो कहाँ हुआ हमारा, तो वो न्यू दिल्ली में। इस बार का जो थीम था वो था फ्लैग्स ऑफ फ्रेंडशिप, तो थीम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो 8th एडिशन ऑफ थिएटर ओलंपिक कहाँ हुआ हमारा, न्यू दिल्ली में। जो थीम था इस बार का वो था फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप। हमारा करंट अफेयर्स है द यूनियन गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द एंटी नारकोटिक्स स्कीम फॉर 3 मोर ईयर्स। जो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी एंटी नारकोटिक स्कीम है उसको 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ है 4 प्लेसेस इन छत्तीसगढ़ विल गेट एयरपोर्ट्स एज अ पार्ट ऑफ उड़ान। उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। छत्तीसगढ़ के 4 जगह पर उड़ान स्कीम के तहत 4 नए एयरपोर्ट दिए जाएंगे। वो 4 जगह हैं अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर एंड रायगढ़। इन चारों जगह पर उड़ान के तहत एयरपोर्ट्स दिए जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि पहला कि छत्तीसगढ़ के किस किस प्लेस पर उड़ान स्कीम के तहत एयरपोर्ट्स दिए जाएंगे, तो हमारा आंसर होगा अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर एंड रायगढ़। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस स्कीम के तहत इन चारों प्लेस छत्तीसगढ़ के इन चारों प्लेसेस पे एयरपोर्ट्स दिए जाएंगे, तो हमारा आंसर होगा उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम क्या है, तो उड़ान स्कीम एक रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट स्कीम है सरकार का। तो रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये याद रखिएगा।
कि उड़ान उड़ी देश का आम नागरिक इज अ रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है इंडिया सेकेंड लूनर मिशन चंद्रयान टू टू बी लॉन्च इन। इंडिया का जो लूनर मिशन है सेकेंड लूनर मिशन चंद्रयान टू उसे लॉन्च किया जाएगा अप्रैल 2018 में। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर द सेंटर हैज कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी हेडेड बाय द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग टू स्टडी द ब्रह्मपुत्रा एंड फ्लड कंट्रोल मेजर्स इन असम एंड नेबरिंग स्टेट्स। ठीक है, तो सेंटर ने एक कमिटी बनाया है जिस कमेटी के अध्यक्ष होंगे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अभी है मिस्टर राजीव कुमार। तो यहां से देखिए दो क्वेश्चन बना, पहला नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हो गए हमारे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हो गए राजीव कुमार। ठीक, और दूसरा किस कमेटी के वो चेयरमैन है, तो वो कमेटी का नाम है, उस कमेटी का काम क्या है, तो उस कमेटी का काम है स्टडी द ब्रह्मपुत्र एंड फ्लड कंट्रोल मेजर्स इन असम एंड नेबरिंग स्टेट्स। तो उसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे मिस्टर राजीव कुमार। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्रू ए वीडियो लिंक इन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रेस्टिजियस वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को वीडियो लिंक के थ्रू इनॉग्रेट किया। कहाँ किया, तो हैदराबाद में किया। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है India's ballistic missile test fired successfully from Abdul Kalam Island off the Odisha coast. तो हमें ये बताना है कि इंडिया ने भी कौन सा बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर किया है, तो वो मिसाइल का नाम है अग्नि 2। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया ने जो अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर किया वो कहाँ से किया है, वो किया है अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द ओडिशा कोस्ट, ये ध्यान रखिएगा। अब तो अग्नि 2 मिसाइल के बारे में जानते हैं, अग्नि 2 मिसाइल हमारा 21 मीटर लॉन्ग है और इसका वजन 17 टन है। ये कैरी कर सकता है न्यूक्लियर पेलोड ऑफ 1000 किलोमीटर विद स्ट्राइक रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है कि हु हैज स्टार्टेड लिमिटेड पीरियड ऑनलाइन सर्वे टू गैदर कंज्यूमर फीडबैक ऑन इट्स सर्विसेज। तो कब अभी किसने स्टार्ट किया है लिमिटेड पीरियड ऑनलाइन सर्वे कंज्यूमर फीडबैक के लिए, तो हमारा आंसर होगा इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट ने अभी लिमिटेड पीरियड ऑनलाइन सर्वे स्टार्ट किया है किस चीज के लिए, तो कंज्यूमर फीडबैक के लिए। और लिमिटेड पीरियड ऑनलाइन का मतलब होगा इसका एक टेन्योर फिक्स होगा, तो वो है 16 फरवरी टू 15 मई 2018। इस बीच के बीच वो सर्वे लेगा और ये जो सर्वे फॉर्म है वो अवेलेबल होगा इसके वेबसाइट पे, जो इसका वेबसाइट है www.indiapost.gov.in। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर द यूनियन मिनिस्टर उमा भारती हैज लॉन्च द बागोरी गंगा ग्राम प्रोजेक्ट न्यू सोजल प्रोजेक्ट एंड गंगोत्री एज स्वच्छ आयनिक प्लेस इन। तो यूनियन मिनिस्टर उमा भारती ने अभी लॉन्च किया बागोरी गंगा ग्राम प्रोजेक्ट न्यू सोजल प्रोजेक्ट एंड गंगोत्री एज स्वच्छ आयनिक प्लेस इन उत्तरकाशी उत्तराखंड। तो हमारा ये अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है ऐसे ध्यान रखिएगा तीनों प्रोजेक्ट का नाम कि उमा भारती जी ने कौन कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया और कहाँ लॉन्च किया। तो बागोरी गंगा ग्राम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, न्यू सोजल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और गंगोत्री एज स्वच्छ आयनिक प्लेस के रूप में लॉन्च किया गया। कहाँ, उत्तरकाशी उत्तराखंड में। किनके द्वारा, तो उमा भारती जी के द्वारा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टेट इन न्यूज, इसमें हमारा पहला करंट अफेयर द सुप्रीम कोर्ट हैज अवार्डेड एडिशनल 14.75 टीएमसी ऑफ कावेरी वाटर टू, तो आंसर होगा कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट ने जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट चल रहा था उसमें एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया जिसके तहत 14.75 टीएमसी ऑफ कावेरी वाटर जो कर्नाटक को प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस असम युवा काउंसिल बिल 2018 इन द स्टेट असेंबली टू सेट अप अ योगा काउंसिल फॉर रेगुलेटिंग द टीचिंग एंड प्रैक्टिसेस ऑफ योगा, तो आंसर होगा असम गवर्नमेंट ने अभी योगा काउंसिल बिल पास किया है जिसके तहत वहाँ पर एक योगा काउंसिल बनाया जाएगा जिसका काम होगा रेगुलेट करना टीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा को। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर हु हैज बिकम द कंट्रीज ओनली नॉन सब अर्बन रेलवे स्टेशन टू बी इंटायरली रन बाय वुमेन, तो आंसर होगा जयपुर गांधीनगर जो है रेलवे स्टेशन वो पहला नॉन सब अर्बन रेलवे स्टेशन है जो वुमेन के द्वारा चलाया जा रहा है, पूरी तरह से वुमेन के द्वारा चलाया जा रहा है। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर द स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड अ बिल टू एस्टैब्लिश ए मॉडर्न लॉ यूनिवर्सिटी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल लीगल एजुकेशन इन द स्टेट, तो आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ने अभी हाल में एक बिल पास किया जिसके तहत वहाँ पर एक मॉडर्न लॉ यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा जिसके थ्रू वहाँ क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल लीगल एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन साउदर्न स्टेट्स ऑन वाटर रिसोर्स टू बी हेल्ड इन
तो आंसर होगा हैदराबाद. द रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन साउदर्न स्टेट्स ऑन वाटर रिसोर्स कहाँ होने जा रहा है, तो होगा हैदराबाद में. इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जिसमें हमारा पहला करंट अफेयर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कंस्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी टू लुक इन टू द इशूज रिलेटिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ बैड लॉन्स इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट्स एंड राइजिंग इंसिडेंट ऑफ फ्रॉड. तो आंसर का वाई एच मालिंगम कमिटी. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमिटी बनाया जिस कमिटी का नाम है वाई एच मालिंगम कमिटी. इसका काम है देखना जो भी फ्रॉड्स हो रहा है बैंक में या बैड लॉन्स बढ़ रहा है वो सब चीज़ को देखना. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है इंडिया हैज साइंड ए लोन एग्रीमेंट विथ विच बैंक फॉर $100 मिलियन फॉर राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डिजर्ट एरियाज. तो इंडिया ने अभी साइन किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट, NDB के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है $100 मिलियन का. किस चीज़ के लिए? तो राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर द ऑफिशियल होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI फॉर ऑल कॉमोडिटीज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018 रोज बाय. तो हमारा आंसर होगा 0.1%. जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है फॉर ऑल कमोडिटीज वो बढ़ गया है कितना से, 0.1% से. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है द बैंक हैज डिसाइडेड टू एग्जिट इट्स साउथ अफ्रीका ऑपरेशन आफ्टर 21 ईयर्स एमिड अ प्रोब इनटू अलेग्ड कंप्लायंसेस लैप्सेस बाय द बैंक देयर. तो हमारा आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा. बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिसाइड किया एग्जिट कर जाना अपना जो उसका साउथ अफ्रीका का ऑपरेशन था 21 साल तक, उसको अब एग्जिट कर जाएगा यानी कि वो बैंक अब वहाँ काम नहीं करेगी. फिर जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है हु हैज अनाउंस्ड अ डेवलपमेंट प्लान वर्थ ₹1,918 करोड़ फॉर पंजाब टू सप्लीमेंट फार्मर्स इनकम. तो हमारा आंसर होगा नबार्ड. नबार्ड ने भी अनाउंस किया डेवलपमेंट प्लान कितने का, 1,918 करोड़ का. किसकी चीज़ के लिए? पंजाब के लिए. हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर द डिजिटल पेमेंट एंटिटी हैज पार्टनर विथ इंडियन वायल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL फॉर द अडॉप्शन ऑफ इट्स इंडिजनसली डिजाइन पॉइंट ऑफ सेल POS डिवाइस एट IOCL रिटेल आउटलेट. हमारा आंसर होगा फोन पे. टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट न्यूज वर्ल्ड, इसमें हमारा पहला करंट अफेयर है हु हैज डिक्लेयर टू इम्पोज ए कार्बन टैक्स फ्रॉम 2019 टू कट इट्स ग्रीन गैस इमिशन. तो आंसर होगा सिंगापुर. सिंगापुर 2019 से कार्बन टैक्स इम्पोज करेगा. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा सस्पेंडेड रोमानियाज ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉर. तो वाडा ने रोमानिया के ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी को सस्पेंड कर दिया 6 महीने के लिए. तो वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट विल बी हेल्ड इन दिस ईयर इन द सिटी ऑफ चिंगदाओ इन चाइना. तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट होने वाला है वो होगा चाइना के एक सिटी में, इसका नाम है चिंगदाओ. नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है द एनुअल मुनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन. जो एनुअल मुनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है वो मुनिच जर्मनी में. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर द कंट्री विल डेब्यू विथ इट्स फर्स्ट इवर अरब फैशन वीक इन. तो जो कंट्री डेब्यू करने जा रहा है अपना पहला अरब फैशन वीक से वो कंट्री है रियाद सऊदी अरबिया. जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स का, जिसमें हमारा पहला करंट अफेयर द कंट्री हैज वॉन द 5th कॉमनवेल्थ ब्रिज चैंपियनशिप 2018. तो हमारा आंसर होगा इंडिया. इंडिया ने भी जीता है 5th कॉमनवेल्थ ब्रिज चैंपियनशिप 2018. फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है हु हैज वॉन द चेन्नई ओपन ATP मेन सिंगल. चेन्नई ओपन ATP मेन सिंगल जीता है जॉर्डन थॉम्पसन ने. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर वन इन टेनिस हिस्ट्री. तो ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर वन इन टेनिस हिस्ट्री जो बने हैं वो हैं रॉजर फेडरर के नाम रिकॉर्ड भी है, देख लेते हैं. रॉजर फेडरर हैज वॉन ए रिकॉर्ड 8 विंबलडन टाइम्स, 8 बार विंबलडन जीता है इन्होंने. 6 बार ऑस्ट्रेलिया ओपन टाइटल्स जीता है इन्होंने. रिकॉर्ड 5 कंसेक्यूटिव US ओपन टाइटल्स जीता है. एक बार फ्रेंच ओपन टाइटल जीता है. जो हमारा फिक्स नेक्स्ट करंट अफेयर है हु हैज बिकम द फर्स्ट फिगर स्केटर इन 66 ईयर्स टू विन बैक टू बैक विंटर ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन द मेन सिंगल इवेंट. तो हमारा आंसर होगा उजुरू हानयू. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है हु हैज वॉन द सीनियर वोमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम एट बाराबाती स्टेडियम इन कटक. अब देखिए यहाँ से एक स्टैटिक न्यूज बन गया कि बाराबाती स्टेडियम कहाँ है, तो कटक में है. और किसने जीता है? तमिलनाडु ने जीता है सीनियर वोमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप.
ठीक है, वही न्यू अपॉइंटमेंट्स का, जिसमें हमारा पहला करंट अफेयर है, हु बिकेम द 41st प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, तो हमारा आंसर होगा केपी शर्मा ओली, वो अभी 41st प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बने हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, हु री अपॉइंटेड एज बैंक ऑफ जापान चीफ, यहाँ देखिए री अपॉइंटमेंट है, मतलब जो पहले थे उन्हें फिर से री अपॉइंट किया गया है, वह हमारे हारुहिको कुरोदा, तो इन्हें री अपॉइंट किया गया है बैंक ऑफ जापान चीफ। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर, द यूजीसी हैज कंस्टिट्यूटेड अ 4 मेंबर इम्पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर शॉर्टलिस्टिंग 20 इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस, तो हमारा आंसर होगा एन गोपाल स्वामी। एन गोपाल स्वामी को हेड बनाया गया है 4 मेंबर इम्पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी का, जिसके जो यूजीसी ने कंस्टिट्यूट बनाया गया है, यूजीसी के थ्रू बनाया गया है ये कमेटी, इसका काम है शॉर्टलिस्ट करना 20 इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस को। फिर समझिए कि यूजीसी के द्वारा एक 4 मेंबर इम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी का गठन हुआ है, इसके हेड होंगे एन गोपाल स्वामी, जो कि फॉर्मल चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इनका काम है कि शॉर्टलिस्ट करना 20 इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस को। फिर वहाँ जो नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ है, हु हैज बीन स्वर्न इन एज साउथ अफ्रीकाज न्यू प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं कायरिल रामापोसा। फिर जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ है, आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन विल बी चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, कौन से आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन है जिन्हें चेयरमैन बनाया गया है ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, तो हमारा आंसर होगा अरविंद पी जामखेड़कर, जो कि आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन है, उन्हें ICHR का चेयरमैन बनाया गया। यूनियन बजट 2018 में फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किया गया है, जो आने वाले सभी एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट होंगे। तो पहला जो पॉइंट हुआ, नीति आयोग विल एस्टेब्लिश अ नेशनल प्रोग्राम टू डायरेक्ट गवर्नमेंट्स इफोर्ट इन द एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टुवार्ड्स नेशनल डेवलपमेंट, तो नीति आयोग एक नेशनल प्रोग्राम को एस्टेब्लिश करेगा टू डायरेक्ट गवर्नमेंट efforts इन द एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द गवर्नमेंट विल एक्सप्लोर यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोएक्टिविटी टू बूस्ट डिजिटल इकोनॉमी, गवर्नमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे किसको बूस्ट करने के लिए, तो डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। हाउएवर द गवर्नमेंट विल नॉट कंसिडर क्रिप्टो करेंसी एज अ लीगल टेंडर, लेकिन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को अभी लीगल टेंडर के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, गवर्नमेंट विल बी ब्रिंगिंग आउट एन इंडस्ट्री फ्रेंडली डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी इन दिस ईयर, इस साल गवर्नमेंट एक इको इंडस्ट्री फ्रेंडली डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी लेके आएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री विल डेवलप ए नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल एज अ सिंगल विंडो प्रोग्राम टू बूस्ट द लॉजिस्टिक सेक्टर, लॉजिस्टिक सेक्टर को बूस्ट करने के लिए यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री एक नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल का डेवलपमेंट करेंगे, जो एक सिंगल विंडो प्रोग्राम होगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 दिस इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ ₹80,000 करोड़ हैज बीन सेट, तो जो डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का, वो है 80,000 करोड़। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रिकैपिटलाइजेशन, द यूनियन गवर्नमेंट विल रिकैपिटलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू हेल्प देम लेंड एन एडिशनल 5 लाख करोड़, तो यूनियन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक को रिकैपिटलाइज करने के लिए 5 लाख करोड़ का एडिशनल हेल्प देंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल सेक्टर में, वह यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड नेशनल इंश्योरेंस विल बी मर्ज्ड एंड देन लिस्टेड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI, ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड नेशनल इंश्योरेंस को मर्ज कर दिया जाएगा। फिर हमारा सैलरीज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया गया कि प्रेसिडेंट की सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया है इस बार बजट में, वाइस प्रेसिडेंट की भी सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया है और गवर्नर के भी सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया। इमोलमेंट्स विल बी रिवाइज फॉर द प्रेसिडेंट टू ₹5 लाख,
आप प्रेसिडेंट का सैलरी हो जाएगा रुपीज 5 लाख, 4 लाख फॉर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी हो जाएगी 4 लाख एंड 3.5 लाख पर मंथ फॉर गवर्नर्स, और गवर्नर्स की सैलरी हो जाएंगी 3.5 लाख. इमोल्यूमेंट्स टू एमपी विल बी रिफिक्स्ड विथ एन इफेक्ट फ्रॉम अपील 1 2018. The law will provide automatic revision of emoluments of MPs after every 5 years indexed to inflation. तो MP का जो emoluments होगा वो 1 अप्रैल 2018 से लागू किया जाएगा. ये important points था financial sector union budget 2018 के according, और आने वाले सभी government exams के लिए एक important point होगा. यूनियन बजट 2018 में हेल्थ सेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है जो यहाँ डिस्कस किया गया है. फर्स्ट पॉइंट है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम विल बी लॉन्च्ड टू कवर 10 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज. अंडर दिस अप टू रुपीज 5 लाख विल बी प्रोवाइडेड टू ईच फैमिली पर ईयर इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर इंस्टीट्यूशंस. दिस स्कीम विल हैव 50 करोड़ बेनिफिशरीज. This scheme will generate lakhs of jobs, particularly for women. National Health Protection Scheme को लॉन्च किया गया है जो 10 करोड़ गरीब परिवारों को कवर करेगा. इस स्कीम के अंतर्गत 5 लाख रुपया प्रोवाइड किया जाएगा हर एक फैमिली को सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर इंस्टीट्यूशन में इलाज कराने के लिए. ये जो स्कीम है वो 50 करोड़ बेनिफिशरीज के लिए अप्लीकेबल होगा. इस स्कीम के तहत बहुत सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज खासकर वोमेन में जनरेट होंगे. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, ट्यूबरक्लोसिस क्लेम्स मोर लाइव्स एवरी ईयर देन एनी अदर डिजीजेस. द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड आरएस रुपीज 600 करोड़ एज न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू ऑल टीबी पेशेंट्स. ट्यूबरक्लोसिस से हर एक साल हमारे देश में बहुत सारे पेशेंट्स मरे जाते हैं, तो इस के लिए सरकार ने 600 करोड़ का न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया है टीवी पेशेंट को इस बार हेल्थ सेक्टर में. फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 24 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विल बी सेट अप बाय अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इन द कंट्री. 24 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को सेटअप किया जाएगा और जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसे अपग्रेड किया जाएगा. एटलीस्ट 1 मेडिकल कॉलेज विल बी देयर फॉर 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन. 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज होगा. जो सेक्टर है वो है एमएसएमई सेक्टर. ये पहला पॉइंट है, मास फॉर्मलाइजेशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर इज हैपनिंग आफ्टर डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी. ऑनलाइन लोन सैंक्शनिंग फैसिलिटी विल बी रिफर्विश्ड टू स्पीड अप द कंप्लीट प्रोसेस बाय द बैंक. तो एमएसएमई सेक्टर के लिए एक अच्छा न्यूज है कि अब जो लोन सैक्शनिंग फैसिलिटी होगा वो ऑनलाइन होगा. ये दिया गया है इस बार यूनियन बजट 2018 में. फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रुपीज 3 लाख करोड़ इज एलोकेटेड एज अ टारगेट फॉर द मुद्रा योजना फॉर ईयर 2018-19. एडिशनल मेजर्स विल बी टेकन टू बूस्ट द ग्रोथ ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स एंड एंजल इन्वेस्टर्स. तो 3 लाख करोड़ रुपया इस बार अलॉट किया गया है मुद्रा योजना के लिए 2018 एंड 19 में. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, द गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 12% ऑफ वेजेस ऑफ न्यू एम्प्लॉयज फॉर ऑल सेक्टर्स. तो गवर्नमेंट 12% वेजेस कंट्रीब्यूट करेगी न्यू एम्प्लॉय के लिए सभी सेक्टर में. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वुमेन्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड विल बी रिड्यूस्ड टू 8% फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ हर एम्प्लॉयमेंट with no reduction in employees contribution. जो ओमेन contribution था हमारा PF में उसको reduce कर दिया गया है 8% से, ठीक है, for first 3 years of her employment. उसके employment के first 3 साल में ये लागू होगा. Next हमारा है, allocation of rupees 7,148 crore for the textile sector. Textile sector के लिए rupees 7,148 crore रुपया एलोकेट किया गया है. नेक्स्ट हमारा सेक्टर है सोशल वेलफेयर सेक्टर. 187 प्रोजेक्ट्स हैव बीन सैंक्शनड अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम. आउटले हैज बीन इंक्रीज्ड
with an all-round development plan for villages and cities along the river Ganga. तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत 187 प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इन प्रीवियस ईयर 4465 गंगा ग्राम विलेज वेयर डिक्लेयर्ड ओपन डिफेक्शन फ्री. दिस ईयर गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड मोर 115 डिस्ट्रिक्ट एंड विल इन्वेस्ट इन सोशल सर्विसेज. तो पिछले साल 4465 गंगा ग्राम विलेज को डिक्लेयर किया गया था ओपन डिफेक्शन फ्री विलेज में, और इस बार गवर्नमेंट ने 115 डिस्ट्रिक्ट्स को और आइडेंटिफाई किया है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, 6 करोड़ टॉयलेट्स हैव बीन बिल्ट ऑलरेडी एंड इन द नेक्स्ट ईयर 2 करोड़ एडिशनल टॉयलेट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर स्वच्छ भारत अभियान. स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 6 करोड़ टॉयलेट का निर्माण हो चुका है और अगले साल 2 करोड़ एक्स्ट्रा टॉयलेट का निर्माण होना है. ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है आने वाले एग्जाम्स के लिए. Fiscal expenditure. The total expenditure of the union government is rupees 21.57 lakh crore. इस बार का जो total expenditure union government का है वो है 21.57 lakh crore. The projected fiscal deficit of the financial year 2018-19 is 3.3% of the GDP. जो इस बार का projected fiscal deficit है financial year 2018-19 का वो है 3.3% of the GDP. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्यूटीज. इस बार कौन कौन सा ड्यूटीज में चेंजेस हुआ है, कौन सा अनचेंज्ड हुआ है, यहाँ डिस्कस किया गया. इसमें हमारा है कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी ऑन मोबाइल फोन्स एंड पार्ट्स ऑफ टेलीविजन विल बी इंक्रीज्ड टू 20% फ्रॉम 15%. मोबाइल फोन पे और टेलीविजन के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया गया है 20%. पहले ये कितना था, 15% था. इसका मतलब हो गया कि मोबाइल फोन और टेलीविजन महंगा हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा कस्टम ड्यूटी ऑन रॉ कैश्यू will be reduced from 5% to 2.5%. जो कस्टम ड्यूटी था हमारा रॉ कैश्यू पे वो रिड्यूस कर दिया गया है 2.5%. पहले कितना था, वो था 5%. नेक्स्ट हमारा द नेम ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम विल बी चेंज्ड टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले एग्जाम्स के लिए कि जो नेम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, उसका नाम बदल के अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम हो गया है. नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक आईटी असेसमेंट विल बी रोल्ड आउट अक्रॉस द कंट्री फॉर द ग्रेटर इफिशियंसी एंड ट्रांसपेरेंसी. ग्रेटर इफिशियंसी एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक आईटी असेसमेंट होगा. नो मोर एजुकेशन सेस ऑन इंपॉर्टेंट गुड्स. इंपॉर्टेंट गुड्स पर अब कोई भी एजुकेशन सेस नहीं लगेगा. एजुकेशन सेस को हटा के अब क्या कर दिया गया है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज जोड़ दिया गया है 10% का. एजुकेशन सेस को हटा के अब सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% का जोड़ दिया गया है इंपोर्टेड गुड्स पे. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है टैक्सेशन रिफॉर्म्स. इस बार बजट में कौन कौन सा टैक्सेशन रिफॉर्म्स लाया गया, यहाँ डिस्कस किया गया. इन प्रीवियस ईयर्स द ग्रोथ रेट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन सिग्निफिकेंट. टिल जनवरी 2018 ग्रोथ रेट ऑफ 18.7% वाज रिकॉर्डेड. अवर 85 लाख न्यू टैक्स पेयर फाइल देयर रिटर्न्स. द नंबर ऑफ द इफेक्टिव टैक्स पेयर इंक्रीज्ड फ्रॉम 6.47 लाख करोड़ टू 8.27 लाख करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. पिछले साल की अपेक्षा इस बार जो है टैक्स पेयर बढ़े हैं. 85 लाख न्यू टैक्स पेयर इस बार रिटर्न फाइल किए हैं. हमारा जो ग्रोथ रहा है इस बार डायरेक्ट टैक्सेस का वो है 18.7% रिकॉर्ड किया गया है जनवरी 2018 तक. टैक्स पेयर का जो नंबर्स है वो इंक्रीज कर गया है 6.47 लाख करोड़ टू 8.27 लाख करोड़. ये एक अच्छा साइन है इकोनॉमी के लिए. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि द एक्सेस रेवेन्यू फ्रॉम पर्सनल इनकम टैक्सेस रुपीज 90,000 करोड़. जो एक्सेस रेवेन्यू हुआ है इस बार पर्सनल टैक्स हुआ है 90,000 करोड़. नो चेंजेस इन द पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब. इस बार कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है इनकम टैक्स स्लैब में. मेजरली द पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन कम्स फ्रॉम द सैलरीड क्लास. अराउंड 1.89 करोड़ रिटर्न्स वेयर फाइल्ड इन 2017 एंड 1.44 लाख करोड़ वाज पेड एट टैक्स. जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो कहां से आता है, सैलरीड क्लास से आता है. अराउंड 1.89 करोड़ रिटर्न्स फाइल हुआ है 2017 में और 1.44 लाख करोड़ रुपए एज अ टैक्स पे हुआ है. 100% टैक्स रिडक्शन टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी हैविंग 100
रुपीज 100 करोड़ टर्नओवर, 100% टैक्स डिडक्शन दिया गया है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को जिनका टर्नओवर 100 करोड़ के पास होगा। नेक्स्ट हमारा है कॉर्पोरेट टैक्स विल बी रिड्यूस टू 25% फॉर द कंपनीज हैविंग टर्नओवर अप टू रुपीज 250 करोड़। कॉर्पोरेट टैक्स को हटा दिया गया है, 25% कर दिया गया है उन कंपनियों के लिए जिसका टर्नओवर 250 करोड़ होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑफ 10% विल बी लिवाइड फॉर अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगाया गया है, कैपिटल गेन टैक्स लगाया गया है 10% का अगर 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट अगर एक्सीड करता है तब। दिस ईयर बजट प्रपोजेज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज 40,000 फॉर ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल रिमर्सेंट्स। द रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ दिस रिबर्समेंट विल बी रुपीज 8,000 करोड़। इस ईयर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है 40,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल रिमर्समेंट के लिए। जो रेवेन्यू कॉस्ट है हमारा वो होगा इस बार 8,000 करोड़ का। नेक्स्ट हमारा एग्जम्पशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम फॉर डिपॉजिट इन बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस विल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम रुपीज 10,000 टू 50,000 फॉर द सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए एक अच्छा खबर है कि उनका जो डिपॉजिट है बैंक में और या पोस्ट ऑफिस में उस पर जो एग्जम्पशन है इंटरेस्ट इनकम का उसको बढ़ा दिया गया है, 50,000 रुपया कर दिया गया है, पहले कितना था 10,000 रुपया था। इट ऑल अप्लाइज फॉर ऑल फिक्स डिपॉजिट, ये सभी फिक्स डिपॉजिट के लिए स्कीम के लिए अप्लीकेबल होगा। ऑल सीनियर सिटीजन विल नाउ बी एबल टू क्लेम बेनिफिट ऑफ डिडक्शन ऑफ रुपीज 50,000 फॉर एनी मेडिकल एक्सपेंडिचर एंड क्लेम डिडक्शन फॉर 1 लाख फॉर क्रिटिकल इलनेस। सभी सीनियर सिटीजन इस बार 50,000 तक का डिडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ है अगर उनका तो, और क्रिटिकल इलनेस के लिए वो 1 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस बार का टैक्स रिफॉर्म का जो कि आने वाले SBI क्लर्क, कैनरा बैंक PO, सिंडिकेट बैंक PO के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहला करंट अफेयर्स है, वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एज दिसंबर 1st। द थीम फॉर वर्ल्ड एड्स डे 2017 इज राइट टू हेल्थ। वर्ल्ड एड्स डे पहले 1st दिसंबर को मनाया जाता है, इस बार का जो थीम था वो था राइट टू हेल्थ। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, अजय वॉरियर 2017 इंडो यूके कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन राजस्थान। द कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2017 बिटवीन इंडिया एंड द यूके वॉज हेल्ड एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज नियर बीकानेर ऑफ राजस्थान। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया एंड यूके के कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि राजस्थान में, उसका नाम क्या है? तो नाम है अजय वॉरियर 2017। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया मिर्जा अपॉइंटेड एज UN एनवायरमेंट गुडविल एम्बेसडर फॉर इंडिया। एक्टर एक्टिविस्ट दिया मिर्जा अपॉइंटेड UN एनवायरमेंट्स गुडविल एम्बेसडर फॉर इंडिया। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट्स गुडविल एम्बेसडर फॉर इंडिया किसे अपॉइंट किया गया? तो दिया मिर्जा को। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, नागालैंड सेलिब्रेट्स 54th स्टेटहुड डे 18th हॉर्नबिल फेस्टिवल। नागालैंड सेलिब्रेटेड द 54th स्टेटहुड डे एंड 18th हॉर्नबिल फेस्टिवल 2017 एट नागा हेरिटेज विलेज किसामा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा सकता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट हुआ, किस स्टेट सेलिब्रेट किया? तो हमारा आंसर होगा नागालैंड, हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया नागालैंड ने। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर है, ओल्ड 1 रुपी नोट सेलिब्रेटेड अ सेंचुरी। द फर्स्ट 1 रुपी नोट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 30 नवंबर 1917 विद द फोटो ऑफ किंग जॉर्ज 5th। तो जो हमारा 1 रुपया का जो नोट था उसने अपना सेंचुरी पूरा कर लिया, यानी कि अपना 100 ईयर्स पूरा कर लिया है उसने। पहला जो 1 रुपया का नोट था वो 30 नवंबर 1917 को इशू हुआ था।
जिसमें किंग जॉर्ज फिफ्थ का फोटो लगा हुआ था। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, IMF approves new $88 million credit line for Mexico. The International Monetary Fund approved a new $88 billion credit line for Mexico, replacing the existing line. IMF, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने अभी मेक्सिको को एक नया क्रेडिट लाइन अप्रूव किया है $88 billion का। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, यूनियन गवर्नमेंट फिक्सेस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स रेट एट ₹2,952 पर ग्राम। द यूनियन गवर्नमेंट फिक्स्ड ₹2,952 पर ग्राम एज द प्राइस ऑफ न्यू सीरीज ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का रेट कितना है। तो ₹2,952 पर ग्राम नया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का रेट है, जिसे यूनियन गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंडियन रेलवेज इंट्रोड्यूसेस फैसिलिटी फॉर बुकिंग टिकट थ्रू वी मैप। रेलवे मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस द फैसिलिटी फॉर बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट्स फ्रॉम रेलवे काउंटर थ्रू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI, भारत इंटरफेस फॉर मनी वी मैप। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि वीम ऐप के थ्रू अब कौन सा टिकट बुक होगा। तो हमारा आंसर है रेलवे टिकट। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, कथाकर एंड इंटरनेशनल स्टोरी टेलर फेस्टिवल हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सेवेंथ एडिशन कथाकर इंटरनेशनल स्टोरी टेलर फेस्टिवल वॉज हेल्ड एट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स न्यू दिल्ली। तो इंटरनेशनल स्टोरी फेस्टिवल जिसका नाम है कथाकर, ये हेल्ड हुआ न्यू दिल्ली में। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल स्टोरी टेबल फेस्टिवल का नाम तो कथाकर, जो कहाँ पर हुआ, हुआ न्यू दिल्ली में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज अडवाणी सिक्योर्स IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल। पंकज अडवाणी ग्रैब द टाइटल ऑफ IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप एट अल अरेबी स्पोर्ट्स क्लब इन दोहा कतर। तो यहाँ से देखिए स्ट्रेटेजी के भी बनता है, पंकज अडवाणी किस खेल से रिलेटेड है। तो पंकज अडवाणी रिलेटेड है IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल, यानी कि स्नूकर से रिलेटेड है। पंकज अडवाणी स्नूकर से रिलेटेड है, उन्होंने कौन सा टाइटल जीता है अभी, तो उन्होंने जीता है IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल जीता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अल अरेबी स्पोर्ट्स क्लब कहाँ है। तो अल अरेबी स्पोर्ट्स क्लब है हमारा दोहा कतर में। यहाँ से तीन जीके हमारा निकलता है। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, पॉपुलिज्म नेम्ड कैम्ब्रिज डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर। द वर्ल्ड पॉपुलिज्म हैज बीन अनाउंस्ड एज कैम्ब्रिज डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2017। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2017 कौन है। तो हमारा आंसर होगा पॉपुलिज्म। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, सुषमा स्वराज अटेंड्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। External Affairs Minister Sushma Swaraj attended the Shanghai Cooperation Organization Summit at Sochi in Russia. तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है। पहला कि Shanghai Cooperation Organization Summit कहाँ हुआ, हुआ सोची रसिया में हुआ। ठीक, अभी External Affairs Minister भारत का कौन है, तो सुषमा स्वराज है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा, मानुषी चिल्लर अवार्डेड इंडियन ऑफ द ईयर स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड। मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी चिल्लर वॉज अवार्डेड द इंडियन ऑफ ईयर स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स अरुण जेटली एट अ रिसेंट इवेंट एट न्यू दिल्ली। अब यहाँ से तीन तरह का क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला, मिस वर्ल्ड 2017 कौन है, तो मानुषी चिल्लर। ठीक, सेकेंड, इंडियन ऑफ द ईयर स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, तो मानुषी चिल्लर को दिया गया। थर्ड बन सकता है कि ये जो अवार्ड है इंडियन ऑफ द ईयर स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया, तो मिनिस्ट्री हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, हमारा तीन सवाल निकला। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर वो है, शेयर्ड वैल्यू समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। द समिट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, द थीम फॉर दिस समिट वॉज इक्विटी एंड एम्पावरमेंट। शेयर्ड वैल्यू समिट
न्यू दिल्ली में हुआ। इस बार का जो थीम था वो था इक्विटी एंड एम्पावरमेंट। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है गूगल इंट्रोड्यूस डाटैली ऐप फॉर क्विक डाटा यूजर्स इन रियल टाइम। गूगल लॉन्च्ड डाटैली ऐप टू अंडरस्टैंड कंट्रोल एंड सेव यूजर्स मोबाइल डाटा देमसेल्फ। तो यहाँ से दो तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया डाटैली ऐप फॉर क्विक डाटा यूजर्स इन रियल टाइम, तो हमारा आंसर होगा गूगल। ये भी पूछा जा सकता है कि गूगल ने कौन सा ऐप अभी लॉन्च किया है, ऐप का नाम तो डाटैली ऐप जो अंडरस्टैंड कंट्रोल एंड सेव करेगा यूजर्स मोबाइल डाटा देमसेल्फ। यानी यहाँ से दो तरह का हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है फिर ईरानियन प्रेसिडेंट इनॉग्रेट्स फर्स्ट फेज ऑफ चावर पोर्ट। द फर्स्ट फेज ऑफ चावर पोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड बाय ईरानियन प्रेसिडेंट हसन रूहानी। द पोर्ट लोकेटेड इन द ईरान साउथ ईस्ट सिस्टर्न बलूचिस्तान प्रोविंस। अब यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला एक स्टैटिक जीके बनेगा कि चावर पोर्ट किस कंट्री में है, तो हमारा आंसर होगा ईरान में। सेकेंड अभी ईरान के प्रेसिडेंट कौन है, ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विराट कोहली सरपासेस ब्रेन लारा फॉर मोस्ट डबल सेंचुरीज एज कैप्टन। विराट कोहली स्कोर्ड हिज सिक्स्थ डबल सेंचुरी द हाइएस्ट एज अ कैप्टन। ही ओवरटूक वेस्ट इंडीज ग्रेट ब्रेन लारा हु हेल्ड द रिकॉर्ड प्रीवियसली विद द 5 डबल इन टेस्ट। तो यहाँ से भी दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला कि सबसे ज्यादा एज अ कैप्टन डबल सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर हो गए विराट कोहली, उससे पहले का रिकॉर्ड किन के पास था, तो ब्रेन लारा के पास था। और ब्रेन लारा किस कंट्री से खेलते थे, तो वेस्ट इंडीज से खेलते थे। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा आंध्र प्रदेश पास्ड इन खापू रिजर्वेशन बिल। द आंध्र प्रदेश असेंबली अनएनोमसली पास द खापू रिजर्वेशन बिल which will be provide the community with a 5% quota in education and employment in the state. तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक खापू रिजर्वेशन बिल पास किया है जिसके तहत 5% कोटा दिया जाएगा उन्हें एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन में। तो खापू से पूछा जा सकता है कि खापू किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आंध्र प्रदेश से। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन आयुष एंड वेलनेस सेक्टर बिगन इन न्यू दिल्ली। द फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन आयुष एंड वेलनेस सेक्टर आरोग्य 2017 हैज बिगन इन न्यू दिल्ली। द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस इन इनहेंसिंग द ग्लोबल पोटेंशियल ऑफ आयुष। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन आयुष एंड वेलनेस सेक्टर वेलनेस, इसको हम लोग आरोग्य 2017, वो कहाँ हुआ, तो न्यू दिल्ली में हुआ। इस बार का जो थीम था वो था इनहेंसिंग द ग्लोबल पोटेंशियल ऑफ आयुष। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ साउथ कोरिया एंड यूएसए लॉन्च लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज। साउथ कोरिया एंड द यूनाइटेड स्टेट लॉन्च्ड देयर लार्जेस्ट इवेंट जॉइंट एरियल ड्रिल्स विजिलेंट एस। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एयर लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम है विजिलेंट एस। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है इंडियाज फर्स्ट मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम ओपेंड इन न्यू दिल्ली। इंडिया का पहला मैडम तुसाद म्यूजियम वैक्स म्यूजियम कहाँ खोला गया, न्यू दिल्ली में खोला गया। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है इंडियन नेवी डे इज ऑब्जर्व्ड एज 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वह पृथ्वी शॉ नेम्ड इंडियाज कैप्टन फॉर 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप। पृथ्वी शॉ जो कि मुंबई से खेलते हैं उन्हें 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप का कैप्टन बनाया गया। 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, न्यूजीलैंड में होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व ऑन 5th डे। वर्ल्ड सॉइल डे 5th दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया पूरे देश पूरे वर्ल्ड में। इस बार का जो थीम था 2017 का जो थीम था वो था कैरिंग फॉर द प्लैनेट स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड। तो किसी भी डे का थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वेनेजुएला लॉन्चेस न्यू वर्चुअल करेंसी पेट्रो। वेनेजुएला लॉन्च इट्स ऑन
cryptocurrency called Patro to circumvent US led financial sanctions. तो किस कंट्री ने एक न्यू वर्चुअल करेंसी लॉन्च किया? तो वेनेजुएला ने. उस करेंसी का नाम क्या है? तो पेट्रो नाम है. ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ओपन्स इन केरला. द लार्जेस्ट इवर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन इंडिया इनॉग्रेटेड एट द मानसुरा सागर डैम इन वायनाड केरला. अब यहां से दो क्वेश्चन पूछेगा. पहला कि स्टैटिक कि बाणासुरा सागर डैम कहां है? तो केरला में है. कहां है? केरला में. दूसरा, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां खुला ओपन हुआ? तो केरला में हुआ. फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, टाइम रीडर्स वोट सऊदी क्राउन प्रिंस पर्सन ऑफ द ईयर. सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैज बीन वोटेड द टाइम मैगजीन रीडर्स पर्सन ऑफ द ईयर. तो टाइम मैगजीन रीडर पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान. फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, वह सीरियन बॉय मोहम्मद अल जोंडे विंस चिल्ड्रेन पीस प्राइज. 16 ईयर ओल्ड मोहम्मद अल जोंडे फ्रॉम सीरिया वॉज अवार्डेड द इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस पीस प्राइज फॉर हिज एफर्ट टू इंश्योर द राइट्स ऑफ सीरियन रिफ्यूजी चिल्ड्रेन. तो इस बार का जो चिल्ड्रेन पीस प्राइज है वो मोहम्मद अल जोंडे जो एक सीरिया के कंट्री से बिलोंग करते हैं उन्होंने जीता है. तो 16 ईयर ओल्ड मोहम्मद अल जोंडे जो सीरिया से बिलोंग करते हैं उन्होंने चिल्ड्रेन पीस प्राइज को जीता. फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर वो है, रसिया बैंड फ्रॉम 2018 विंटर ओलंपिक. रसिया वॉज बैंड फ्रॉम द 2018 विंटर कैंप्स बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी. तो यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कंट्री को 2018 विंटर ओलंपिक से बैन कर दिया गया है? तो हमारा आंसर है रसिया को बैन कर दिया गया. फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर वो है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज हेल्ड इन नेपाल. द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज हेल्ड इन नेपाल. इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय नेपाल प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी. तो यहां से दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है. पहला, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज कहां हुआ? तो नेपाल में हुआ. नेपाल के जो प्रेसिडेंट उनका नाम क्या है? वो है विद्या देवी भंडारी. नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम है. है बैंकिंग करंट अफेयर्स का, जिसका पहला करंट अफेयर है, गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड 2952 रुपीस पर ग्राम एज प्राइस ऑफ न्यू सीरीज ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स. गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई डिसाइडेड टू ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ रुपीस 50 पर ग्राम टू इन्वेस्टर्स अप्लाइंग ऑनलाइन एंड मेकिंग पेमेंट डिजिटली. तो गवर्नमेंट ने न्यू सीरीज ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का प्राइस को फिक्स कर दिया है. वो प्राइस है रुपीस 2952 पर ग्राम. गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ मिलकर यह डिस्कशन किया है कि रुपीज 50 पर ग्राम डिस्काउंट ऑफर दिया जाएगा उन इन्वेस्टर्स को जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एंड पेमेंट करेंगे डिजिटली. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है, पेटीएम पेमेंट बैंक रोल्ड आउट पेटीएम फास्टैग टू इनेबल इलेक्ट्रॉनिक टोल फ्री कलेक्शन ऑन हाईवे अक्रॉस द कंट्री. तो यहाँ से दो हमारा बन सकता है करंट अफेयर्स. पहला, किस पेमेंट बैंक ने अभी हाल में ही इलेक्ट्रॉनिक टोल फ्री कलेक्शन को लॉन्च किया है? तो होगा हमारा आंसर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक. और उस कलेक्शन का नाम है, इलेक्ट्रॉनिक टोल फ्री कलेक्शन का नाम है पेटीएम फास्टैग. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है, पेटीएम पेमेंट बैंक इज द ओनली बैंक प्रोवाइडिंग जीरो बैलेंस अकाउंट एंड जीरो चार्जेस ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन. तो पेटीएम पेमेंट बैंक अभी एकलौता बैंक है जो जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है और जीरो चार्जेस प्रोवाइड कर रहा है डिजिटल ट्रांजेक्शन पर. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है, वेंजुलियन President Nicolas Maduro announced the creation of new virtual currency named Petro to ease the country's economic crisis. तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो ने अनाउंस किया है एक नया वर्चुअल करेंसी का जिसका नाम होगा पेट्रो. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है, कॉर्पोरेशन बैंक लॉन्च्ड इट्स रुपीज सिलेक्ट एंड रुपीज प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड.
तो किस बैंक ने अभी लॉन्च किया रुपए सेलेक्ट एंड रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड्स? तो हमारा आंसर होगा कॉर्पोरेशन बैंक। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है, ओबो पे अनाउंस दैट द कंपनी हैज सिक्योर्ड अ लाइसेंस फॉर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट अ सेमी क्लोज्ड लूप वॉलेट इन द कंट्री। तो किस कंपनी को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का लाइसेंस दिया गया अभी आरबीआई के द्वारा? तो होगा ओबो पे। ओबो पे को लाइसेंस मिला है किस चीज का? तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई का। किसके थ्रू? तो आरबीआई ने उसे लाइसेंस प्रोवाइड किया है। करंट अफेयर्स है, आरबीआई इंपोज्ड ₹3 crore पेनाल्टी ऑन इंडसलैंड बैंक फॉर ब्रीचिंग रूल्स ऑन इनकम क्लासिफिकेशन नॉर्म्स। तो आरबीआई ने 3 crore का पेनाल्टी लगाया है इंडसलैंड बैंक पर किस चीज के लिए? तो इनकम क्लासिफिकेशन नॉर्म्स को नहीं पूरा करने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ लॉयल्टी प्रोग्राम फॉर इट्स वैल्यूड कस्टमर नेम्ड एज स्टेट बैंक रिवार्ड व्हिच गिव्स द कस्टमर सेवरल अपॉर्चुनिटीज टू अर्न रिवार्ड पॉइंट एंड अर्न मेनी टाइम्स फास्टर एट मैक्स गेट मोर पार्टनर्स आउटलेट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो उस लॉयल्टी प्रोग्राम का नाम हमारा क्या? स्टेट बैंक रिवार्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है, द गवर्नमेंट हैज इंगेज्ड प्राइवेट लेंडर आईसीआईसीआई बैंक टू इनेबल ऑनलाइन पेमेंट एट 470 मंडीज इंटीग्रेटेड विद द नेशनल पोर्टल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ईनैम। तो गवर्नमेंट, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो इस प्रकार बनेगा कि गवर्नमेंट ने किस प्राइवेट बैंक को ऑथराइज किया है ऑनलाइन पेमेंट के लिए थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ईनैम नेशनल पोर्टल पर। तो बैंक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि कितने मंडीज इसमें इंटीग्रेटेड है हमारे? तो 470 मंडीज हैं जो ईनैम के थ्रू इंटीग्रेट है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है कि एक्सिस सिक्योरिटीज अ सब्सिडियरी ऑफ एक्सिस बैंक बिकम द फर्स्ट इवर ब्रोकिंग आर्म ऑफ अ बैंक टू टेक मेंबरशिप ऑफ अ कमोडिटी एक्सचेंज बाय रजिस्टरिंग इटसेल्फ विद NCDEX। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा कि कौन से सिक्योरिटीज कंपनी जो ब्रोकिंग इवर फॉर्म है ने रजिस्ट्रेशन लिया है NCDEX में? तो आंसर होगा एक्सिस सिक्योरिटीज, जिसका पेरेंट बैंक है एक्सिस बैंक। यहाँ से दो सवाल पूछ सकता है कि एक्सिस सिक्योरिटी किसका सब्सिडरी है? तो एक्सिस बैंक का सब्सिडरी है, और हाल में ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसने रजिस्ट्रेशन को मिला है इसे NCDEX का। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स हो सकता है कि आरबीआई इंक्रीज द लिमिट फॉर द इन्वेस्टमेंट बाय फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPI फॉर द जनवरी मार्च 2018 क्वार्टर बाय ₹6,400 crore इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज GSEC एंड ₹5,800 crore इन द स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। रिवाइज इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर FPIs इन GSEC विल बी 2,56,400 crore। तो आरबीआई ने FPI में, जो FPI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो लिमिट है उसे बढ़ा दिया है 6,400 crore से, और जो स्टेट डेवलपमेंट लोन है उसमें बढ़ा दिया है 5,800 crore से। जो रिवाइज इन्वेस्टमेंट लिमिट होगा अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का थ्रू FPI वो होगा 2,56,400 crore। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI हैज अप्रूव द स्कीम ऑफ एमलगेमेशन बिटवीन इंडसइंड बैंक एंड भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो जो CCI है हमारा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने एमलगेशन स्कीम को अप्रूव कर दिया है किसके बीच? इंडसइंड बैंक एंड भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, इस दोनों के बीच। पब्लिक सेक्टर बैंक IDBI बैंक हैज रिसीव्ड द कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ ₹2,729 crore फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो बनेगा कि IDBI बैंक को कितने का कैपिटल इन्फ्यूजन मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? तो हमारा आंसर होगा ₹2,729 crore। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्टेट रन बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसीव्ड कैपिटल इन्फ्यूजन ₹2,257 crore फ्रॉम द गवर्नमेंट। स्टेट रन बैंक ऑफ इंडिया को कितना कैपिटल इन्फ्यूजन मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? तो मिला है ₹2,257 crore। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹5 crore ऑन सिंडिकेट बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद इट्स डायरेक्शन ऑन चेक परचेज और डिस्काउंटिंग बिल डिस्काउंटिंग एंड नो योर कस्टमर नॉर्म्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है पहला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर पेनल्टी लगाया है किस चीज के लिए? तो चेक परचेज और डिस्काउंटिंग बिल डिस्काउंटिंग और नो योर कस्टमर नॉर्म्स के लिए। तो वो आंसर होगा सिंडिकेट बैंक।
और कितना का पेनल्टी लगाया है, तो ₹5 करोड़ का पेनल्टी लगाया, याद दिस से दो क्वेश्चन बन सकता है हमारा। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है कि यूएस बाय आउट जाइंट केकेआर एंड को हैज बिकम द फर्स्ट फॉरेन इन्वेस्टर टू फुल्ली ऑन एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी इन इंडिया एज इट रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा पहला कि किस वो पहला फॉरेन इन्वेस्टर कंपनी है जिसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का अप्रूवल मिला है आरबीआई की तरफ से, तो हमारा आंसर होगा यूएस बाय आउट जॉइंट केकेआर एंड को जो है वो पहला फॉरेन इन्वेस्टर है जिसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का दर्जा मिला है आरबीआई की तरफ से। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है कि एज पर द आईटी मिनिस्ट्री द गवर्नमेंट विल बियर द मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेस ऑन ट्रांजेक्शन अप टू 2000 मेड थ्रू डेबिट कार्ड भीम UPI और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल में ही लॉन्च किया है आईटी मिनिस्ट्री के थ्रू कि 2000 तक के ट्रांजेक्शन पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा और जो भी चार्जेस है जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है MDR वो जो है बियर करेगी गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है कि एज पर SBI इट्स बोर्ड हैज अप्रूव्ड रेजिंग 8000 करोड़ थ्रू वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग मसाला बॉन्ड टू मीट बैसल 3 कैपिटल नॉर्म्स। तो SBI के अकॉर्डिंग जो है SBI रेज करेगा 8000 करोड़ थ्रू वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग मसाला बॉन्ड्स टू मीट बैसल 3 कैपिटल नॉर्म्स। करंट अफेयर्स का जैसे पहला करंट अफेयर हमारा है कि क्रिप्टो करेंसी डीलर प्लूटो एक्सचेंज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ट्रांजेक्टिंग इन वर्चुअल करेंसीज। तो इंडिया में जो पहला मोबाइल एप्लीकेशन होगा फॉर ट्रांजेक्शन इन वर्चुअल करेंसीज वो लॉन्च करेगा प्लूटो एक्सचेंज जो क्रिप्टो करेंसी डीलर है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है कि CVDT इंटर्स इनटू 2 बायलैटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स। दीज एग्रीमेंट्स आर द फर्स्ट इवर बायलैटरल APAs विद द नीदरलैंड। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CVDT का फुल फॉर्म होता है। 2 बायलैटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की है किस कंट्री के साथ, तो नीदरलैंड के साथ। इस कंट्री नहीं तो नीदरलैंड। फिर हमारा करंट अफेयर्स है कि GOI इंक्रीज द बजट ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन बाय 47.4% दिस ईयर। GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर एजुकेशन के बजट को बढ़ा दिया है कितना से, तो 47.4% से। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर सुरेश प्रभु स्टेटेड दैट द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS इंसेंटिव रेट विल बी रेज्ड बाय 2%। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने बोला है कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS का जो इंसेंटिव है वो 2% से बढ़ा दिया जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है कि IRDAI इशूड रेगुलेशन फॉर इंश्योरेंस फर्म टू कैरी आउट ऑफशोर बिजनेस फ्रॉम गुजरात बेस्ड GIFT इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। अंडर द रेगुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री फॉरेन इंश्योरेंस आर परमिटेड टू ओपन IFC इंश्योरेंस ऑफिस एट GIFT IFFC। तो यहाँ से एक चीज पूछा जा सकता है कि GIFT इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कहाँ है, तो गुजरात में है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक न्यूज है हमारा कि GIFT इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कहाँ है, तो गुजरात में है। एज पर रिपोर्ट ऑफ मॉर्गन स्टेनले इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस साइक्लिक ग्रोथ रिकवरी विथ रियल GDP ग्रोथ लाइकली टू एक्सलेट फ्रॉम 6.4% दिस ईयर टू 7.5% इन 2018 एंड फर्दर 7.7% इन 2019। तो मॉर्गन स्टेनले की रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडिया का जो ग्रोथ रहेगा 2018 का रहेगा 7.5% और 2019 में रहेगा 7.7%। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है कि इंडियन इकोनॉमी इज लाइकली टू ग्रो by 7.2% in 2018 and 7.4% in 2019 as per the World Economic Situation and Prospects 2018 report. The World Economic Situation and Prospects 2018 के according जो हमारा इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रहेगा 2018 में वो रहेगा 7.2% और 2019 में रहेगा 7.4%। तो ये दोनों जो पॉइंट है हमारा 6 एंड 7th जो वो IPS कलर बैंक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा कि ADB लोअर्ड इंडिया GDP फॉरकास्ट फॉर द करंट फिस्कल बाय 0.3% टू 6.7% एंड 7.3% फ्रॉम मार्च 2018। तो ADB ने अपना इंडिया का GDP जो है उसको लोअर किया, फॉरकास्ट किया इस बार कितना से, तो 0.3% से। वो
जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ कि इंडियाज लार्जेस्ट मॉर्गेज लैंडर एचडीएफसी हैज सोल्ड इट्स रियलिटी ब्रोकरेज बिजनेस एचडीएफसी रियलिटी एंड इट्स डिजिटल रियल एस्टेट बिजनेस एचडीएफसी डेवलपर्स विच ऑन्स एचडीएफसी रेड टू ऑनलाइन क्लासिफाइड प्लेयर क्विकर। तो इंडियाज लार्जेस्ट मॉर्गेज लैंडर एचडीएफसी ने अपना रियलिटी ब्रोकरेज बिजनेस एचडीएफसी रियलिटी और डिजिटल रियल एस्टेट जो बिजनेस है एचडीएफसी डेवलपर वो क्विकर को बेच दिया है। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ कि एसबीआई कार्ड द क्रेडिट कार्ड इशूअर एंड भारत पेट्रोलियम द लीडिंग पेट्रोलियम कंपनी इन इंडिया अनाउंस द लॉन्च ऑफ बीपीसीएल एसबीआई कार्ड द मोस्ट रिवार्डिंग फ्यूल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन द कंट्री। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पेट्रोलियम ने किस क्रेडिट कार्ड इशूअर के साथ टाइप किया है इशू करने के लिए फ्यूल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो हमारा आंसर होगा भारत पेट्रोलियम ने एसबीआई कार्ड के साथ टाइप किया है इशू करने के लिए फ्यूल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जिसका नाम होगा बीपीसीएल एसबीआई कार्ड। पोलैंड कैपिटल ऑफ पोलैंड वार्सो करेंसी पॉलिश जेलोटी। सेकेंड हमारा कंट्री है रसिया कैपिटल ऑफ रसिया मॉस्को करेंसी रसियन रूबल। नेक्स्ट कंट्री हमारा केनिया कैपिटल ऑफ केनिया नैरोबी करेंसी केनियन शिलिंग। नेक्स्ट हमारा कंट्री है सीरिया कैपिटल डमास्कस करेंसी सीरियन पाउंड। सऊदी अरेबिया कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया रियाद करेंसी सऊदी रियाल। नेक्स्ट हमारा कंट्री है नेपाल कैपिटल काठमांडू करेंसी नेपाली रूपी। नेक्स्ट कंट्री है न्यूजीलैंड कैपिटल वेलिंगटन करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट कंट्री हमारा थाईलैंड कैपिटल बैंकॉक करेंसी थाईवट। हमारा कंट्री है रोम कैपिटल इटली करेंसी यूरोज। नेक्स्ट हमारा कंट्री है जर्मनी कैपिटल बर्लिन चांसलर ऑफ जर्मनी एंजेला मार्केल। नेक्स्ट हमारा कंट्री वेंजुला कैपिटल करास्कस करेंसी वेंजुलियन वॉलीवर। नेक्स्ट हमारा कंट्री यूएई कैपिटल अबूधाबी करेंसी यूएई दिरहम। कंट्री हमारा है ऑस्ट्रेलिया कंट्री कैनबेरा करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट हमारा कंट्री जापान कैपिटल टोक्यो करेंसी जापानीज येन। नेक्स्ट हमारा कंट्री है यूके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके थेरेसा मे कैपिटल लंदन करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट हमारा कंट्री है नॉर्वे कैपिटल ऑस्लो करेंसी नॉर्वेगियन क्रोन। हमारा है ओमान कैपिटल मस्कट करेंसी ओमानी रियाल। नेक्स्ट कंट्री हमारा है चाइना कैपिटल बीजिंग करेंसी रेनमिनबी प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। नेक्स्ट हमारा कंट्री है तुर्कमेनिस्तान कैपिटल अस्काबत करेंसी तुर्कमेनिस्तान मानत। नेक्स्ट हमारा कंट्री है मैक्सिको कैपिटल मैक्सिको सिटी करेंसी मैक्सिकन पेसो। कुवैत कैपिटल कुवैत सिटी करेंसी कुवैती दिनार। नेक्स्ट कंट्री हमारा चिली कैपिटल सांसियागो करेंसी चिलियन पेसो। नेक्स्ट कंट्री हमारा रवाडा कैपिटल किगाली करेंसी रवाडन फ्रैंक। नेक्स्ट हमारा कंट्री है इराक कैपिटल बगदाद करेंसी इराकी दिनार। हमारा पहला जो सेक्शन है करंट अफेयर्स का वो है अवार्ड एंड ऑनर्स। इसमें जो पहला करंट अफेयर वो है नवानीता देवसेन ऑनर्ड विथ बिग लिटिल बुक अवार्ड। पॉपुलर बंगाली राइटर नवानीता देवसेन डिक्लेयर्ड एज विनर इन ऑथर इन बंगाली लैंग्वेज कैटेगरी एट द सेकेंड एडिशन ऑफ बिग लिटिल बुक अवार्ड। तो बिग लिटिल बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है बंगाली राइटर नवानीता देवसेन को। ये याद ध्यान रखने की बात है कि जो राइटर हैं उनका लैंग्वेज भी याद रखना है कि वो किस लैंग्वेज में लिखते हैं। इसे नवानीता देवसेन किस लैंग्वेज में लिखती है तो लिखती है बंगाली में। ठीक है, उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया तो बिग लिटिल बुक अवार्ड दिया गया। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है
Manushi Chiller wins Miss World 2017 title. India's Manushi Chiller, 20 years old, wins Miss World crown for the year 2017. The win comes 17 years after Priyanka Chopra brought home. जो भारत की इस बार जो मिस वर्ल्ड बनी है 2017 वो भारत की बनी है, वो है मानुषी चिल्लर। ये अवार्ड हमारा देश में 17 साल के बाद आया, 17 साल पहले इसी अवार्ड को प्रियंका चोपड़ा जी ने जीता था। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिस वर्ल्ड 2017 किस देश से बिलोंग करती है, तो भारत से बिलोंग करती है। कौन है वो? वो है मानुषी चिल्लर। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो है अनंत कुमार ऑफ सुपर 30 इज अवार्डेड राष्ट्रीय बाल कल्याण अवार्ड फॉर 2017। अनंत कुमार ऑफ सुपर 30 प्रोग्राम अवार्डेड टू राष्ट्रीय बाल कल्याण अवार्ड फॉर दिस ईयर। तो राष्ट्रीय बाल कल्याण अवार्ड फॉर 2017 किन्हें दिया गया? तो दिया गया अनंत कुमार, जो कि सुपर 30 के संचालक हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो है ट्रांसपोर्ट फॉर लंडन गेट्स 2017 बैड ग्रामर अवार्ड बाय द आइडलर अकेडमी इन ब्रिटेन। ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन को दिया गया है 2017 का बैड ग्रामर अवार्ड। किसके द्वारा दिया गया? तो एडलर एकेडमी इन ब्रिटेन के द्वारा। तो यहाँ से तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, बैड ग्रामर अवार्ड किन्हें दिया गया 2017 का? दिया गया ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन को। दूसरा, बैड ग्रामर अवार्ड किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो दिया जाता है एडलर एकेडमी के द्वारा। कहाँ और कहाँ दिया जाता है? तो ब्रिटेन। ये ध्यान देने की बात। और फिर जो नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ है, अनुपम खेर रिसीव्स प्रमोद महाजन स्मृति अवार्ड। अनुपम खेर रिसीव्स प्रमोद महाजन स्मृति अवार्ड इन पुणे। ही इज द करंट चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अनुपम खेर को प्रमोद महाजन स्मृति अवार्ड से सम्मानित किया गया। अनुपम खेर अभी करंट चेयरमैन है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है UNHCR टू गेट मदर ट्रेसा अवार्ड 2017 फॉर सोशल जस्टिस। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है UNHCR, has been named as the recipient of the Mother Teresa Memorial Award for Social Justice 2017. अब देखिए यहाँ से कौन कौन सा सवाल निकल सकता है। पहला सवाल, UNHCR का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है United Nation High Commissioner for Refugees। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर दूसरा सवाल निकल सकता है कि Mother Teresa Award 2017 for Social Justice किन्हें दिया गया? तो दिया गया UNHCR को, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, उन्हें दिया गया मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2017 का। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है तमिलनाडु श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल विंस यूनेस्को अवार्ड। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल एट श्रीरंगम इन तमिलनाडु वॉन यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, स्टैटिक जी के पूछा जा सकता है कि श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ है? तो वह है श्रीरंगम तमिलनाडु में, ठीक है। दूसरा पूछा जाता है कि यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज किसे दिया गया? तो श्री रंगनाथ टेम्पल को दिया गया, जो कि श्रीरंगम तमिलनाडु में स्थित है। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो है एयर न्यूजीलैंड विंस एयरलाइन एक्सीलेंस दो अवार्ड फॉर द फिफ्थ टाइम। एयर न्यूजीलैंड हैज क्राउंड 2018 एयरलाइन ऑफ द ईयर बाय लीडिंग इंटरनेशनल एविएशन। तो 2018 एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो एयर न्यूजीलैंड को। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि 2018 के एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया एयर न्यूजीलैंड को। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो है हिंदी राइटर कृष्णा सूपती चूजन फॉर ज्ञानपीठ अवार्ड 2017। इमिनेंट हिंदी लिटरेटर कृष्णा सूपती 92 ईयर्स ओल्ड वाज अवार्डेड द 53rd ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2017 फॉर हर पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर। तो ज्ञानपीठ अवार्ड 2017 किसे दिया गया? तो कृष्णा सूपती, जो कि एक हिंदी लिटरेटर है। ये ध्यान रखिएगा, उनका लैंग्वेज जरूर ध्यान रखिएगा कि वो किस लैंग्वेज में लिखती हैं, ठीक है। तो 2017 का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है हमारा, वो दिया गया हिंदी राइटर कृष्णा सूपती जी को। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है रॉयल ओपेरा हाउस एट मुंबई गेट्स यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड। द रिस्टोर्ड रॉयल ओपेरा हाउस लोकेटेड एट मुंबई चर्नी रोड हैज रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ मेरिट फ्रॉम द 2017 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन। तो यहाँ से दो सवाल पूछा जा सकता है। पहला, कि यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड किसे दिया गया है? तो रिस्टोर्ड रॉयल ओपेरा हाउस को। और ये रिस्टोर्ड रॉयल ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? तो वह है मुंबई चार्नी रोड में। तो ये हमारा स्टैटिक जीके का काम कर सकता है कि रिस्टोर्ड रॉयल ओपेरा हाउस कहाँ है? तो मुंबई में। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज
conferred with CII Industrial Innovation Award. L&T Technology Services Limited, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है LTTS, a leading global pure play engineering services company, was conferred with the Confederation of Industrial Indian Industry CII Industrial Innovation Award 2017. तो CII Industrial Innovation Award किसे दिया गया? तो L&T Technology Services को दिया गया. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ है, क्रिस्टिनो रोनाल्डो नेम्ड बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर. तो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो क्रिस्टिनो रोनाल्डो को दिया गया. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ है, अलका याग्निक एंड उदित नारायण टू गेट लता मंगेशकर अवार्ड. द प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक एंड उदित नारायण एंड म्यूजिक कंपोजर उषा खन्ना, बप्पी लहरी एंड अनु मलिक सिलेक्टेड फॉर द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्रेस्टिजियस नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड. तो नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड किन्हें दिया गया? पहला ये क्वेश्चन बनेगा, तो बनेगा प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक एंड उदित नारायण. ये याद रखिएगा उनका प्रोफेशन क्या है, उनका प्रोफेशन वो प्लेबैक सिंगर्स है. फिर हमारा दिया गया म्यूजिक कंपोजर उषा खन्ना, बप्पी लहरी और अनु मलिक को. तो ये क्वेश्चन ये बनेगा. दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा गवर्नमेंट यानी किस कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ये नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड देती है? तो हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड देती है. फिर जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर वो है, जावेद अख्तर टू बी ऑनर्ड विथ हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड. वेटरन राइटर एंड लिरिस्ट जावेद अख्तर ऑनर्ड विथ हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड. तो हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड किन्हें दिया गया? तो दिया गया जावेद अख्तर को. जावेद अख्तर क्या कौन है? एक राइटर है और एक लिरिसिस्ट है. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ है, इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी अजय राजू रिकॉग्नाइज्ड विद फिलंथ्रोपी अवार्ड. इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी अजय राजू ऑनर्ड विद द थर्ड अमेरिकन बाजार फिलंथ्री अवार्ड. तो फिलंथ्रोपी अवार्ड किन्हें दिया गया? तो इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी अजय राजू को. हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर सेक्शन है वो है इम्पोर्टेंट डेज ऑफ नवम्बर. तो नवम्बर के जो कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं यहाँ डिस्कस किया गया है. नवंबर 5th यानी 5th नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में. तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. फिर है नवंबर 8th, इस डे को हम लोग वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. फिर हमारा है नवंबर 10th, ये वर्ल्ड साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर 10th. फिर हमारा है नवंबर 11th, ये सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एजुकेशन डे के रूप में. फिर हमारा है नवंबर 12th, ये सेलिब्रेट किया जाता है मलाला डे एंड वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. तो 12 नवंबर दो सेलिब्रेट किया जाता है, पहला है मलाला डे के लिए और दूसरा है वर्ल्ड निमोनिया डे के लिए. फिर हमारा है नवंबर 17 सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल इपिलेप्सी डे, वर्ल्ड जर्नलिज्म डे, इंटरनेशनल स्टूडेंट डे. तो तीन रूप में ये सेलिब्रेट किया जाता है. नवंबर 17 पहला नेशनल एपिलेप्सी डे, वर्ल्ड जर्नलिज्म डे एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट डे के रूप में. फिर जो हमारा नवंबर 18 है वो सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एडल्ट डे के रूप में. 18 नवंबर सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एडल्ट डे के रूप में. इस सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस किया गया है नवंबर का और उनके थीम को भी डिस्कस किया गया. ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा. जो हमारा पहला है वो है यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20th नवंबर. द थीम ऑफ USD 2017 इज किड्स टेक ओवर. तो 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व किया गया जिसका जो थीम है वो है किड्स टेक ओवर. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो है कौमी एकता वीक ऑब्जर्व्ड अक्रॉस कंट्री. द कौमी एकता वीक इज बींग ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम 19th नवंबर टू फॉस्टर एंड री इन्फोर्स द स्पिरिट ऑफ कॉमनल हारमोनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन. 19th नवंबर 2017 डे इज बींग ऑब्जर्व एज नेशनल इंटीग्रेशन डे. तो कौमी एकता वीक जो है वो 19 नवंबर से शुरू हुआ, ठीक, और 19 नवंबर को हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन डे के रूप में बनाते हैं. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो है नेशनल प्रेस डे इज ऑब्जर्व ऑन नवंबर 16. इंडिया सेलिब्रेटेड द नेशनल प्रेस डे ऑन नवंबर 16. नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया जाता है. इस दिन एक और चीज मनाया जाता है, वह इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस. तो 16 नवंबर को हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस के रूप में भी मनाते हैं. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो है वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व ऑन नवंबर 14 अक्रॉस द वर्ल्ड.
14 नवंबर को पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था वर्ल्ड डायबिटीज डे का, द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे 2017 इज ओमेन एंड डायबिटीज आवर राइट टू अ हेल्दी फ्यूचर। इस बार का जो थीम था वो था ओमेन एंड डायबिटीज आवर राइट टू हेल्दी फ्यूचर। तो थीम भी याद रखना है और साथ में उस डे को भी याद रखना है जिस दिन वो डे ऑब्जर्व हुआ था, डेट कौन सा डे ऑब्जर्व हुआ था वो, और उनका थीम क्या था। ये तीनों पॉइंट आने वाले आईबीपीएस बीओ मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो है नेशनल करंट अफेयर्स। तो उसमें जो पहला करंट अफेयर वो है इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द सन टू बी लॉन्च्ड इन 2019। इंडियाज मिशन टू द सन विल बी लॉन्च्ड इन 2019 फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। इंडिया का जो पहला मिशन है सन के लिए वो 2019 में लॉन्च होगा। कहाँ से होगा? तो श्रीहरिकोटा से होगा जो कि आंध्र प्रदेश में है। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो है इंडिया बिकम्स सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत पूरे वर्ल्ड का दूसरा लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया है। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है इंडिया रैंक 51 ऑन IMD टैलेंट रैंकिंग। इंडिया रैंक 51 among 63 countries on the IMD talent ranking in terms of ability to attract, develop and retain talent. IMD talent ranking में भारत का जो rank है वो है 51। फिर हमारा जो next current affair वो है India and World Bank Inc. $98 million loan pact for renewable energy. India and the World Bank signed a $98 million loan pact and a $2 million grant agreement to help the country increase power generation capacity through cleaner renewable energy resources. So India and World Bank ne $98 million ka loan agreement kiya hai kiske liye? To renewable energies ke liye. To hamara jo question banega wo banega ki kis organization ke sath India ne abhi hal mein hi लोन एग्रीमेंट किया रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो हमारा आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। कितना किया है? तो $98 million किया है। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो है इंडिया म्यांमार ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज बिगिंस इन मेघालय। द फर्स्ट इंडिया म्यांमार बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज 2017 IMBACS 2017 वॉज हेल्ड एट ज्वाइंट वारफेयर सेंटर एट द उमराव ज्वाइंट ट्रेनिंग नोड इन मेघालय। तो भारत और म्यांमार के बीच पहला ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज हुआ कहाँ? तो मेघालय में हुआ। इस एक्सरसाइज का नाम है IMBACS 2017। तो नाम भी इम्पोर्टेंट है और कहाँ हुआ वो भी इम्पोर्टेंट है। तो IMBACS 2017 जो कि एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था किसके बीच? इंडिया एंड म्यांमार के बीच, जो मेघालय में हुआ। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है राधा मोहन सिंह इनॉग्रेटेड वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेशन on 21st November 2017. This year theme is 2022 ka hai sapna kisan ki aay ho dugna sankalp se siddhi. To 21 November ko World Fishery Day celebrate kiya gaya jiska theme tha 2022 ka hai sapna kisan ki aay ho dugna sankalp se siddhi. To ye dhyan rakhna hai ki theme important hota hai examination point of view se, aur day कौन सा डे किस डे को सेलिब्रेट किया गया ये भी इम्पोर्टेंट होता है, है? इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया है कि नवंबर में इम्पोर्टेंस डे कौन कौन सा है। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है नागालैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड साइन MOU विथ इंडिया अंडर उदय स्कीम। ऑन द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन 4 MOU अंडर द स्कीम विद द स्टेट ऑफ नागालैंड and with the union territories of Andaman and Nicobar Island, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. तो यहाँ से directly question पूछा जा सकता है
कि उदय से स्कीम से जुड़ने वाले कौन कौन सी इंडियन टेरिटरीज है, तमारन सरोग अंदमान एंड निकोबार आइलैंड, दादा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। उदय स्कीम का पूरा नाम क्या है, तो उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना उदय। ये दोनों पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वह यूनियन गवर्नमेंट कैंसिल्स इजरायली मिसाइल डील वर्थ $500 मिलियन। इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कैंसिल अ $500 मिलियन डील फॉर प्रोक्योरिंग स्पाइक ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फ्रॉम इजराइल। यूनियन गवर्नमेंट ने $500 मिलियन का इसराइल से जो मिसाइल डील होने वाला था उसको कैंसिल कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कंट्री से यूनियन गवर्नमेंट ने या इंडिया ने अभी अपना मिसाइल डील कैंसिल किया है, तो इसराइल से कैंसिल किया है। कितने का डील था वो, तो $500 मिलियन का डील था। किस तरह का मेरा था, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। फिर जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वो वर्ल्ड बिगेस्ट टॉयलेट पॉट मॉडल अनवील्ड एट ट्रंप विलेज इन हरियाणा। द वर्ल्ड बिगेस्ट टॉयलेट पॉट मॉडल वॉज अनवील्ड एट मरोड़ा प्रॉपरली नोन एज ट्रंप विलेज इन हरियाणा। वर्ल्ड का जो बिगेस्ट टॉयलेट पॉट मॉडल है वो ट्रंप विलेज हरियाणा में अनवील्ड हुआ, ठीक है। और यहाँ से एक चीज है कि इसका ओरिजिनल नाम क्या है, मरोड़ा, जो कि ट्रंप विलेज के नाम से फेमस है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ, मनमोहन सिंह सिलेक्टेड फॉर इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह 85 ईयर्स ओल्ड वाज सिलेक्टेड इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर हिज लीडरशिप ऑफ द कंट्री। तो मनमोहन सिंह जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया है। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है स्टेयरिंग कमिटी ऑफ SARTTAC held in New Delhi. Interim meeting of steering committee of International Monetary Fund IMF South Asia Regional Training and Technical Assistance Center SARTTAC was held in New Delhi. तो ये ध्यान रखना है कि SARTTAC का जो फुल फॉर्म होता है South Asia Regional Training and Technical Assistance Center, जिसका जो इंट्रीम मीटिंग था स्टीयरिंग कमेटी का वो कहाँ हेल्ड हुआ, तो न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ। फिर जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर वो है असम लॉन्चेज इट्स फर्स्ट एयर एम्बुलेंस फॉर द पब्लिक। द गवर्नमेंट ऑफ असम इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट एयर एम्बुलेंस इन द स्टेट। इट विल ऑपरेट फ्रॉम गुवाहाटी एयरपोर्ट। असम ने अपना पहला फर्स्ट एयर एम्बुलेंस फॉर द पब्लिक लॉन्च किया। असम ने अपना फर्स्ट एयर एम्बुलेंस लॉन्च किया पब्लिक के लिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर वो है यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डेली ड्रग रेजिमेन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च्ड बाय डेली ड्रग रेजिमेन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट अक्रॉस द कंट्री। टीवी इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस दैट मोस्ट ऑफन अफेक्ट लंग्स। तो यूनियन गवर्नमेंट ने डेली ड्रग रेजिमेन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, यानी ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने डेली ड्रग रेजिमेन को लॉन्च इंट्रोड्यूस किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस बीमारी के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने डेली ड्रग रेजिमेन लॉन्च किया, तो हमारा आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस कैसा बीमारी है, एक बैक्टीरियल डिजीज है जो किसके कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है, जो किस पार्ट को अफेक्ट करता है, तो लंग्स को अफेक्ट करता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो यूनियन कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। द यूनियन कैबिनेट अफेयर्स अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी NAA एन एपेक्स बॉडी विथ एन ओवर आर्चिंग मैंडेट अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। द NAA इज टास्क्ड विद द इंश्योरिंग फुल बेनिफिट ऑफ रिडक्शन इन टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्लो टू कंज्यूमर्स। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी को सेटअप के लिए अप्रूवल दिया है। इस अथॉरिटी का काम क्या है कि जो कस्टमर को फुल बेनिफिट होना चाहिए, जो कि टैक्स रिडक्शन किया गया है GST में, उसका बेनिफिट कस्टमर को पहुंचना चाहिए। इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी को अप्रूवल दिया है, एक अथॉरिटी के सेटअप के लिए अप्रूवल दिया, उसका नाम है नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वो है दांतेवाड़ा होस्ट इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट. इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट हेल्ड एट दांतेवाड़ा इन द बास्टर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़. तो दांतेवाड़ा जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है वहां पर भारत का पहला ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट हुआ. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा. हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का. इसमें जो पहला हमारा करंट अफेयर्स हुआ है कैंडल जेनर बिकम्स वर्ल्ड हाईएस्ट पेड मॉडल इन 2017. अमेरिकन मॉडल कैंडल जेनर बिकम द वर्ल्ड हाईएस्ट अर्निंग मॉडल इन 2017. अमेरिका की मॉडल कैंडल जेनर दुनिया की हाईएस्ट पेड मॉडल है 2017 की. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें यह याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैंडल जेनर किस प्रोफेशन को बिलोंग करती है, तो वो एक मॉडल है. किस कंट्री से है, तो वो अमेरिकन है. फिर वहाँ जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो है इंडिया एंड रसिया ज्वाइंस हैंड टू प्रोवाइड वीजा फ्री एंट्री फॉर फ्लाइट क्रू मेंबर्स. इंडिया एंड रसिया हैव ज्वाइंड देयर हैंड्स एंड साइंड अ पैक्ट फॉर गिविंग वीजा फ्री एंट्री टू द क्रू मेंबर्स ऑफ चार्टर्ड एंड शेड्यूल्ड फ्लाइट इन द बोथ नेशंस. तो इंडिया एंड रसिया ने एग्रीमेंट साइन किया है वीजा फ्री एंट्री का एग्रीमेंट क्रू मेंबर्स के लिए जो कि चार्टर्ड एंड शेड्यूल्ड फ्लाइट्स के होंगे. तो चार्टर्ड एंड शेड्यूल्ड फ्लाइट्स के क्रू मेंबर के लिए अब इंडिया एंड रसिया ने वीजा फ्री एंट्री प्रोवाइड करेंगे. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो है बियॉन्स नेम्ड 2017 हाईएस्ट पेड वुमेन इन म्यूजिक अकॉर्डिंग टू द फोर्स. American singer Beyonce has been named the highest paid woman in music in 2017 by the Forbes. तो ये ध्यान रखना है कि उनका profession पूछ सकता है, exam में पूछा जा सकता है कि Beyonce किस profession को belong करती है. तो वो एक singer है, ठीक है, वो highest paid woman है music में. ये एक important question है, किस country को belong करती है, तो American है. तो Beyonce जो कि एक singer है, American singer है, वे दुनिया की highest paid woman है फोर्ब्स के अनुसार. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ है कतर द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड पर कैप्टा. बेस्ड ऑन द पर कैप्टा इनकम ऑफ इट्स पीपल कतर हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री एज पर द रिसेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट. द पर कैप्टा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ कतर इज अवर रुपीज 81 लाख. तो कतर जो है वो एक रिचेस्ट कंट्री बन गया है वर्ल्ड पर कैप्टा के हिसाब से. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिपोर्ट के अनुसार कतर वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू पर कैप्टा इनकम. वहां का जो पर कैप्टा जीडीपी है वो है अप्रॉक्स ओवर है 81 लाख के आसपास. फिर जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर वो है फर्स्ट WHO ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एंडिंग टीवी हेल्ड इन रसिया. द WHO ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एंडिंग टीवी इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इरा A multi-sectoral response was held in Moscow, Russia. तो WHO का पहला ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एंडिंग टीवी, टीवी स्टैंड फॉर ट्यूबरक्लोसिस, कहाँ हुआ, तो रसिया में हुआ. WHO का पहला ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एंडिंग ट्यूबरक्लोसिस कहाँ हुआ, तो रसिया में हुआ. करंट अफेयर है हमारा UN पीसकीपिंग डिफेंस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2017 हेल्ड इन कनाडा. कनाडा होस्टेड द 2017 UN पीसकीपिंग डिफेंस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. तो 2017 का UN पीसकीपिंग डिफेंस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, तो हुआ कनाडा में. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स हुआ है सीरिया साइंस अ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज. सीरिया बिकेम द 169th कंट्री विच साइन अप द पेरिस एग्रीमेंट. सीरिया ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया है ऑन क्लाइमेट चेंज, वो 169th कंट्री बन गया है इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए. फिर जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है सऊदी अरबिया रिकॉग्नाइज योगा एज ए स्पोर्ट. द सऊदी अरबियन गवर्नमेंट अप्रूव द प्रैक्टिस ऑफ योगा एज ए स्पोर्ट एक्टिविटी. तो सऊदी अरबिया ने योगा को एज ए स्पोर्ट रिकॉग्नाइज किया है. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कंट्री ने योगा को एज ए स्पोर्ट रिकॉग्नाइज किया है, तो हमारा आंसर होगा सऊदी अरबिया. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ है फाउंडिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेल्ड इन जर्मनी. फाउंडिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज हेल्ड इन बॉन जर्मनी. तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फाउंडिंग सेरेमनी कहाँ हुआ, तो हुआ जर्मनी में. फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है चाइना लॉन्चेज
world's first fully electric cargo ship. China launched the world's first all-electric ship, which can travel up to 80 km with 2,000 tons cargo after a two-hour charge. तो चाइना ने वर्ल्ड का पहला फुल्ली इलेक्ट्रिक कार्गो शिप लॉन्च किया है जो कि 80 किलोमीटर चल सकता है 2000 टन कार्गो के साथ जब उसे 2 घंटे के लिए चार्ज किया जाएगा। तो वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रिक कार्गो शिप किस कंट्री ने लॉन्च किया है, तो हमारा आंसर होगा चाइना ने। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक समिट हेल्ड इन वियतनाम। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक Economic Leaders Meeting was held in Da Nang, Vietnam. The theme of this meeting was creating new dynamism, fostering a shared future. तो APEC Economic Leader का जो meeting हुआ, summit हुआ, वो हुआ Vietnam में। तो APEC का full form होता है Asia Pacific Economic Cooperation, जिसका summit हुआ Vietnam में। इस बार का जो theme था वो था creating new dynamism, fostering a shared future. हमारा पहला जो सेक्शन है वो है स्पोर्ट्स। पहला करंट अफेयर है हमारा ग्रिगोर डिमिट्रोव बीट्स डेविन कॉफिन टू लिफ्ट एटीपी फाइनल टाइटल। ग्रिगोर डिमिट्रोव वॉन द एटीपी फाइनल टाइटल इन लंदन यूके। एटीपी फाइनल टाइटल का खिताब जीता है ग्रिगोर डिमिट्रोव ने। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो है अफगानिस्तान विंस मैडन अंडर 19 एशिया कप। अफगानिस्तान विंस अंडर 19 एशिया कप टाइटल इन क्वालालंपुर मलेशिया अगेंस्ट पाकिस्तान। तो अंडर 19 एशिया कप का टाइटल किस कंट्री जीता, तो हमारा आंसर होगा अफगानिस्तान। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो है टेडी राइनर क्लेम्स 10th वर्ल्ड टाइटल। टेडी राइनर वॉन द 10th वर्ल्ड टाइटल एट 2017 जूडो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप। 2017 जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप का वर्ल्ड टाइटल जीता है टेडी राइनर ने। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है भास्कर गांगुली अपॉइंटेड एज AIFF ओम्बड्समैन by Supreme Court. The Supreme Court appointed former football captain Bhaskar Gangli as ombudsman according to the All India Football Federation. The All India Football Federation के new ombudsman बने हैं Bhaskar Gangli जो एक former football captain है। फिर हमारा जो next current affair वो है Mary Kom strikes gold at Asian Women Boxing Championship. Mary Kom nosed up her 5th gold medal at Asian Women's Boxing Championship in Vietnam. तो Mary Kom ने Asian Women Boxing Championship में gold जीता है, और Asian Women Boxing Championship कहाँ हुआ था, तो Vietnam में हुआ था। हमारा next current affair है Indian Women win Asia Cup and qualifies for Hockey World Cup. India defeated China 5-4-5 shootout to win the Women's Asia Cup Hockey Title 2017. तो Women's Asia Cup Hockey Title 2017 का खिताब भारत ने जीता है, और साथ में ही क्वालिफाई कर लिया है हॉकी वर्ल्ड कप के लिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो है Mary Kom named Women's Youth World Championship Ambassador. 5-time World Champions and Olympic Bronze Medalist MC Mary Kom named as the Ambassador of the upcoming AIBA Women's Youth World Championship. AIBA Women's Youth World Championship के Ambassador होंगी MC Mary Kom, जो Olympic में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, ये भी ध्यान रखना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट ट्रेंड है फिर वो हिना सिंधु wins Air Pistol Gold at Commonwealth Shooting Championship. Ace Indian Shooter हिना सिंधु bagged gold in Women's 10 meter air pistol event at Commonwealth Shooting Championship in Brisbane, Australia. तो Commonwealth Shooting Championship जो कि Brisbane, Australia में हुआ था, वहां पर हिना सिंधु ने एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है। तो यहां से दो तीन क्वेश्चन बन सकता है। पहला, Commonwealth Shooting Championship कहां हुआ, तो Brisbane, Australia में। हिना सिंधु किस खेल से बिलोंग करती है, तो वो एक शूटर है, 10 मीटर एयर पिस्टल से वो बिलोंग करती हैं। हिना सिंधु ने कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो है अदिति फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर
LPGA Tour Championship. Aditi Ashok qualified for the season-ending CME Group Tour Championship on the LPGA, becoming the first from the country to play. It is the second largest running golf tournament. The Aditi Ashok ne qualify kar liya LPGA Tour Championship ke liye. Wo desh ki pehle player hongi jo is khel ko khelengi. To Aditi Ashok kis khel se associated hai? Ye bhi question aa sakta hai. To associated hai golf se. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो है फ्रांस नेम्ड एज होस्ट ऑफ 2023 रबी वर्ल्ड कप. तो फ्रांस विल होस्ट 2023 रबी वर्ल्ड कप. 2023 का रबी वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो फ्रांस में होगा. नेक्स्ट सेक्शन है हमारा अपॉइंटमेंट्स का. जैसे पहला करंट अफेयर है हमारा विजय प्रसाद दिमरी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस. साइंटिस्ट विजय प्रसाद दिमरी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस. तो 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होंगे साइंटिस्ट विजय प्रसाद दिमरी. फिर जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर वो है कैनेथ जस्टर स्वान इन एज द न्यू यूएस एम्बेसडर टू इंडिया. कैनेथ जस्टर वाज स्वान इन एज द यूएस एम्बेसडर टू इंडिया. तो कैनेथ जस्टर न्यू यूएस एम्बेसडर होंगे टू इंडिया में, न्यू यूएस एम्बेसडर होंगे. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख आदिया नेम्ड एज फाइनेंस सेक्रेटरी. रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख आदिया डिजाइनेटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी. तो हसमुख आदिया अब नए फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है अजय बिसारिया नेम्ड इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान. इंडिया अपॉइंटेड अजय बिसारिया एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान. अजय बिसारिया भारत के नेक्स्ट हाई कमिश्नर होंगे पाकिस्तान के लिए. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है विक्रम सिंह अपॉइंटेड प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट. विक्रम सिंह वाज अपॉइंटेड प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट रामनाथ गोविंद. विक्रम सिंह प्रेसिडेंट रामनाथ गोविंद के प्राइवेट सेक्रेटरी होंगे, उन्हें अपॉइंट किया गया एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी. नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा जकिंदा आर्डर्न ऑफिशियली स्वॉन इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड. जकिंदा आर्डन वॉज ऑफिशियली स्वॉन इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड. तो न्यूजीलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर होंगी होंगे जकिंदा आर्डन. फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर वो है फॉर्मर फ्रेंच कल्चर मिनिस्टर उद्रे जोले इलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को. फॉर्मर फ्रेंच कल्चर मिनिस्टर उद्रे Ajole was elected as the new Director General of UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में. तो न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ UNESCO होंगे ऑड्रे अजोले, जो कि फॉर्मर फ्रेंच कल्चर मिनिस्टर थे. UNESCO का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ UN चीफ अपॉइंट पीटर थॉम्सन एज फर्स्ट UN एनवाय फॉर ओशन. UN Chief Antonio Guterres has appointed Peter Thomson as the first special envoy for the ocean. तो UN Chief Antonio Guterres ने Peter Thomson को पहला UN envoy for ocean के रूप में appoint किया. फिर हमारा जो next current affair हुआ राजीव महर्षि took oath as a new Comptroller and Auditor General of India, CAG of India. तो राजीव महर्षि new CAG होंगे इंडिया के. क्या का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि होंगे राजीव महर्षि. हमारा पहला करंट अफेयर्स पॉइंट है आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल अपॉइंटेड टू एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बीआईएस. आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल वाज अपॉइंटेड टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट. हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट इज इन वेसल स्विट्जरलैंड. आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को बीआईएस के एडवाइजरी बोर्ड में अपॉइंट किया गया. ठीक है, BIS का फुल फॉर्म होता है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है बैसल स्विट्जरलैंड में.
फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बी एस सी अपॉइंट्स एस रवि एज इट्स न्यू चेयरमैन. बी एस सी के न्यू चेयरमैन है सेतु रत्नम रवि. सेतु रत्नम रवि अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द लीडिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हुआ है पेटीएम एंड आईसीआईसीआई बैंक कोलैबोरेट टू ऑफर शॉर्ट टर्म इंस्टेंट डिजिटल क्रेडिट. डिजिटल पेटीएम डिजिटल पेमेंट सर्विसेज कंपनी पेटीएम एंटर्ड इनटू अ टाई अप विद आईसीआईसीआई बैंक टू जॉइंटली लॉन्च पेटीएम आईसीआईसीआई बैंक पोस्टपेड दैट ऑफर शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू देयर कॉमन कस्टमर्स. तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेटीएम ने किस बैंक के साथ टाई अप किया है टू ऑफर शॉर्ट टर्म इंस्टेंट डिजिटल क्रेडिट. हमारे आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक के साथ पेटीएम ने टाई अप किया है. फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हुआ रिलायंस जनरल इंश्योरेंस एंड यस बैंक इन बैंक इंश्योरेंस पैक्ट. रिलायंस जनरल इंश्योरेंस अ सब्सिडियरी ऑफ रिलायंस कैपिटल हैज साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव बैंक इंश्योरेंस कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विथ यस बैंक. तो यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पैक्ट साइन किया है. तो हमारा आंसर होगा यस बैंक के साथ. फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हुआ है आरबीआई रिजेक्ट्स एचडीएफसी बैंक्स रिक्वेस्ट टू डीक्लासिफाई एचडीएफसी एज एफआईआई. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिपोर्टेडली रिजेक्टेड एचडीएफसी प्ली टू डीक्लासिफाई इट्स पेरेंट हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचडीएफसी एज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. तो यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई ने किस बैंक को रिजेक्ट किया है टू डीक्लासिफाई एज एफआईआई. तो हमारा आंसर होगा एचडीएफसी बैंक. हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वो है होम लोन लिमिट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रेज टू रुपीज 25 लाख फ्रॉम अर्लियर रुपीज 7.5 लाख. द गवर्नमेंट हैज रेज्ड द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन बोरो फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर हाउसिंग बिल्डिंग टू रुपीज 25 लाख फ्रॉम द अर्लियर 7.5 लाख. द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन अमाउंट शैल बी एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 8.5% एट सिंपल इंटरेस्ट. तो होम लोन का जो लिमिट था पहले 7.5 लाख का गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वो अब 25 लाख कर दिया गया है, जिसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 8.5 सिंपल इंटरेस्ट. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स हुआ है दुबई बेस्ड इमिरात्स एनबीडी बैंक बिगिन ऑपरेशन इन इंडिया. यूनाइटेड अरब इमीरात यूएई सेकेंड लार्जेस्ट बैंक इमिरात्स एनबीडी स्टार्टेड ऑपरेशन इन इंडिया बाय ओपनिंग ए ब्रांच इन मुंबई. तो यूएई के सेकेंड लार्जेस्ट बैंक इमिरात एनबीडी ने अपना ऑपरेशन भारत में चालू किया है. उन्होंने अपना पहला ब्रांच खोला है मुंबई में. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ है फेडरल बैंक गेट्स आरबीआई अप्रूवल टू ओपन ऑफिसेज इन कुवैत सिंगापुर. फेडरल बैंक हैज ऑब्टेन्ड आरबीआई अप्रूवल टू ओपन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस एट कुवैत एंड सिंगापुर. फेडरल बैंक को आरबीआई का अप्रूवल मिला है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस कुवैत एंड सिंगापुर में खोल सकता है. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो है आईडीएफसी बैंक पार्टनर्स विथ मोबी क्विक. आईडीएफसी बैंक इंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटजिक अलायंस विथ मोबाइल वॉलेट मेजर मोबी क्विक टू लॉन्च ए को ब्रांडेड वर्चुअल वीजा प्रीपेड कार्ड फॉर कस्टमर्स ऑफ मोबी क्विक. तो हमारा क्वेश्चन है कि मोबी क्विक के साथ किस बैंक ने पार्टनरशिप किया. तो हमारा आंसर होगा आईडीएफसी बैंक ने. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू लॉन्च पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन थ्रू एसएमएस. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन थ्रू एसएमएस टू एडुकेट पब्लिक अबाउट वेरियस बैंकिंग रेगुलेशन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल. किस बैंक ने पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन को शुरू किया है. तो हमारा आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन को शुरू किया है थ्रू एसएमएस. हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है पेपर लॉन्चेस डोमेस्टिक पेमेंट इन इंडिया. अमेरिकन डिजिटल पेमेंट कंपनी पेपल लॉन्च्ड डोमेस्टिक ऑपरेशन इन इंडिया. तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच डिजिटल पेमेंट कंपनी लॉन्चेस डोमेस्टिक पेमेंट इन इंडिया. तो हमारा आंसर होगा पेपल. हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स हुए बैंक ऑफ चाइना बिगिन ऑपरेशन इन पाकिस्तान. बैंक ऑफ चाइना फॉर्मली लॉन्च्ड इट्स ऑपरेशन इन पाकिस्तान विथ इट्स ब्रांच इनॉग्रेटेड इन कराची. तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस बैंक ने अपना अभी ऑपरेशन स्टार्ट किया है पाकिस्तान में. तो हमारा आंसर होगा बैंक ऑफ चाइना, जिनका जो पहला ब्रांच होगा वो होगा कराची में. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स हुए एचडीएफसी बैंक मेक्स आरटीजीएस नेफ्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्री. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड मेड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू आरटीजीएस एंड नेफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट
फ्रॉम विथ एन एम टू प्रोमोट अ डिजिटल इकोनॉमी। तो किस बैंक ने अभी आरटीजीएस और नेफ्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को फ्री कर दिया है? तो हमारा आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने फ्री कर दिया है। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो है, इंडिया साइन लोन एग्रीमेंट विथ वर्ल्ड बैंक फॉर यूएस डॉलर 119 मिलियन। इंडिया साइन लोन एग्रीमेंट विथ वर्ल्ड बैंक फॉर यूएस डॉलर 119 मिलियन फॉर ओडिशा हायर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एक्सीलेंस एंड इक्विटी प्रोजेक्ट। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा सकता है कि इंडिया ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी यूएस 119 मिलियन डॉलर का लोन एग्रीमेंट किया है फॉर ओडिशा हायर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एक्सीलेंस एंड इक्विटी प्रोजेक्ट के लिए। तो हमारा आंसर होगा वर्ल्ड बैंक के साथ। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि इंडिया ने लोन एग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ यूएस डॉलर 119 मिलियन किस प्रोजेक्ट के लिए? तो ओडिशा हायर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एक्सीलेंस एंड इक्विटी, OHEPEE प्रोजेक्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म है। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो है, एसबीआई रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट फॉर होम ऑटो लोन्स बाय 0.05%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रिड्यूस्ड द इंटरेस्ट रेट ऑन होम एंड ऑटोमोबाइल लोन बाय 0.05%। इट हैज कट इंटरेस्ट रेट ऑन होम लोन्स टू 8.3 एंड ऑन ऑटो लोन्स टू 8.7। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस बैंक ने अभी अपना होम ऑटो लोन पर इंटरेस्ट रेट कम किया है? तो हमारा आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। कितना कम किया है? तो 0.05% कम किया है। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, इंडिया अर्न रुपीज 14,354 करोड़ बाय फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन अक्टूबर 2017। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग FDE ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2017 वॉज रुपीज 14,354 करोड़ एज कम्पेयर टू रुपीज 12,100 करोड़ इन अक्टूबर 2016 एंड रुपीज 10,549 करोड़ इन अक्टूबर 2015। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया ने फॉरेन टूरिस्ट अराइवल में कितना रुपया अर्न किया अक्टूबर 2017 में। तो हमारा आंसर होगा रुपीज 14,354 करोड़ इंडिया ने अर्न किया है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हुआ है इंडिया का अक्टूबर 2017 में कितना, रुपीज 14,354 करोड़। फिर हमारा जो नेक्स्ट एंड अफेयर है वो है, इंडिया फर्स्ट मेगा कोस्टल इकोनॉमिक जोन टू कम अप इन महाराष्ट्र। द यूनियन गवर्नमेंट हैज गिवन द अप्रूवल फॉर सेटिंग अप इंडिया फर्स्ट मेगा कोस्टल इकोनॉमिक जोन एट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन महाराष्ट्र। इंडिया का जो पहला मेगा कोस्टल इकोनॉमिक जोन है वो एस्टेब्लिश होने जा रहा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि इंडिया का पहला मेगा कोस्टल इकोनॉमिक जोन कहाँ होगा? तो महाराष्ट्र में। किस पोर्ट पर होगा? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर होगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है? तो मेरा हमारा महाराष्ट्र के स्टेट महाराष्ट्र में। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स वो है, तेलंगाना एंड पतंजलि ग्रुप ज्वाइंस हैंड्स टुगेदर टू एस्टेब्लिश फूड पार्क। तेलंगाना गवर्नमेंट इंक्ड एन MOU विद पतंजलि ग्रुप विद एन एम टू सेट अप फूड पार्क। तो फूड पार्क को एस्टेब्लिश करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने किसके साथ हैंड मिलाया? तो हमारा आंसर होगा पतंजलि के साथ, ठीक है। और तेलंगाना एंड पतंजलि ग्रुप ने ज्वाइंट हैंड टुगेदर किया है किस चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए? तो फूड पार्क को एस्टेब्लिश करने के लिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स हुआ है, टोयोटा एंड सुजुकी पार्टनर्स टुगेदर टू ब्रिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू इंडिया बाय 2020। इंडियाज लीडिंग कार कंपनीज टोयोटा एंड सुजुकी हैव ज्वाइंट देयर हैंड्स टू मेक एन इलेक्ट्रिक कार फॉर आवर कंट्री अराउंड 2020। तो 2020 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल को भारत में लाने के लिए दो कार कंपनी ने ज्वाइन किया है, आपस में ज्वाइंट हुए हैं, पार्टनर बने हैं, वो दोनों हैं टोयोटा एंड सुजुकी। टोयोटा एंड सुजुकी ने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 2020 तक लाने के लिए पार्टनरशिप की है। हमारा जो फिर नेक्स्ट करंट अफेयर वो है, 37th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर बिगिंस इन न्यू दिल्ली। 37th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF स्टार्ट हुआ न्यू दिल्ली में। तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि 37th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ बिगिन हुआ? तो हमारा आंसर होगा न्यू दिल्ली में। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स वो है, यूनियन गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस BS6 ग्रेड ऑटो फ्यूल्स इन नेशनल कैपिटल टेरिटोरी in 2018 instead of 2020. The Petroleum Ministry, in consultation with public oil marketing companies, had decided for
Preponement of BS6 grade auto fuels in National Capital Territory of Delhi from 1st April 2018 instead of 1st April 2020. तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने पब्लिक वाइल मार्केटिंग कंपनी के साथ मिलकर यह डिसाइड किया है कि BS6 ग्रेड का ऑटो फ्यूल अब दिल्ली में 2018 से ही मिलने लगेगा, जो कि पहले था टारगेट किया गया था 2020, यानी कि 1st अप्रैल 2018 से हमें BS6 ग्रेड का ऑटो फ्यूल दिल्ली में मिलने लगेगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स वो है GST ऑन AC नॉन AC रेस्टोरेंट रिड्यूस टू 5%। तो हमारा जो GST काउंसिल है उसने ये डिसाइड किया है कि AC नॉन AC रेस्टोरेंट पर अब GST मात्र 5% ही लगेगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स वो है उबेर ज्वाइंस फोर्सेस विथ नासा टू डेवलप फ्लाइंग टैक्सी। उबेर अनविल्ड अ पार्टनरशिप विथ नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन टू डेवलप फ्लाइंग टैक्सी। तो किस कंपनी ने नासा के साथ हाथ मिलाया है फ्लाइंग टैक्सी के डेवलपमेंट के लिए? तो हमारा आंसर होगा उबेर ने नासा के साथ मिलकर फ्लाइंग टैक्सी को डेवलप करने के लिए हाथ मिलाया है। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स वो है गुआना बिकम्स न्यू मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस। गुआना जिसका कैपिटल है हमारा कोनेक्री बिकम न्यू मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस। इंटरनेशनल सोलर एलियंस का जो कैपिटल है इसका जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर एलायंस का जहाँ हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम में, ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम। तो गुआना जो है इंटरनेशनल सोलर एलायंस का नया मेंबर बना है। गुआना का जो कैपिटल है वो है कोनक्री, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर एलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम में। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स वो है सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड ₹109 करोड़ टू प्रमोट टूरिस्ट प्रोजेक्ट इन पौंडीचेरी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 109 करोड़ रुपया दिया है पौंडीचेरी में टूरिज्म प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए। किस स्कीम के अंतर्गत? तो स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन कि गवर्नमेंट ने कितना रुपया प्रमोट किया टूरिज्म के लिए पौंडीचेरी में? तो हमारा आंसर होगा ₹109 करोड़। किस स्कीम के तहत? तो स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत पैसा दिया गया है। हमारा पहला क्वेश्चन है द यूनाइटेड स्टेट्स हैज लिफ्टेड इट्स 20 ईयर्स ओल्ड ट्रेड एम्बार्गो अगेंस्ट विच नेशन। तो हमारा आंसर है सूडान। यूनाइटेड नेशन ने 20 साल पुराना जो ओल्ड ट्रेड है वो किस नेशन के अगेंस्ट लिफ्ट कर लिया, मतलब हटा लिया? तो हमारा आंसर है सूडान। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ट्राइव हु वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2017। नोबेल प्राइज फिजिक्स में 2017 में किन्हें दिया गया? तो हमारा आंसर है रेनर वेस, कीप थॉर्न एंड बेरी बैरिश। हमारा थर्ड क्वेश्चन है द 2017 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर वाज अवार्डेड टू दिस ब्रिटिश ऑथर। किस ब्रिटिश ऑथर को 2017 का नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर में? तो हमारा आंसर है काजुओ इशिगुरो। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है थीम ऑफ 2017 वर्ल्ड टीचर्स डे। वर्ल्ड टीचर्स डे 2017 का थीम था टीचिंग इन फ्रीडम एम्पावरिंग टीचर्स। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है युकना कुरेसुलखन वाज इन द अक्टूबर 2017 अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस नेशन। किस नेशन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं उखना योर सुखन? तो हमारा आंसर है मंगोलिया। हमारा सिक्स क्वेश्चन है दिस ट्रायो वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2017। किन्हें नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में 2017 में? तो हमारा आंसर है जैकब्स डुबोचेट जैकब चिम फ्रैंक एंड रिचार्ड एंडरसन। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC हैज सस्पेंडेड दिस कंट्रीज नेशनल ओलंपिक कमिटी फॉलोइंग करप्शन एलिगेशंस। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने किस कंट्री के नेशनल ओलंपिक कमिटी को सस्पेंड कर दिया गया करप्शन एलिगेशन के कारण? तो हमारा आंसर है ब्राजील। हमारा एट क्वेश्चन है द यूनियन गवर्नमेंट हैज सेट अप अ स्टडी ग्रुप
to examine problem faced by the people living near the international border in which state? किस स्टेट में यूनियन गवर्नमेंट ने एक स्टडी ग्रुप को सेटअप किया है जो कि प्रॉब्लम को एग्जामिन करेंगे जो कि वहां के लोकल लोग फेस कर रहे हैं. तो हमारा आंसर है जम्मू एंड कश्मीर. हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, इंडिया इज सेलिब्रेटिंग कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन विथ दिस नेशन. किस नेशन के साथ इंडिया जो है अपना सेलिब्रेट कर रहा है 20 इयर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन. तो हमारा आंसर है साउथ अफ्रीका. हमारा टेंथ क्वेश्चन है, द इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ गोविंद वुड बी इनोग्रेटिंग इंडिया वाटर वीक 2017. इंडिया वाटर वीक 2017 रामनाथ गोविंद जो भारत के प्रेसिडेंट है वह कहाँ इनोग्रेट कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं न्यू दिल्ली में. हमारा 11th क्वेश्चन है, दिस इंडियन ओरिजिन सिख लॉयर हैज बिकम द लीडर ऑफ कनाडाज न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी. कनाडाज न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी के जो अभी लीडर चुने गए हैं जो इंडियन ओरिजिन के सिख लॉयर हैं वो हैं जगमीत सिंह. हमारा 12th क्वेश्चन है, द 8th कॉन्फ्रेंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ शार्क स्पीकर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस इज शेड्यूल्ड टू बी इन. जो 8th कॉन्फ्रेंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ शार्क स्पीकर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस का जो शेड्यूल्ड है वो है श्रीलंका में. 13th क्वेश्चन है, दिस फॉर्मर एमपी फ्रॉम अलीगढ़ हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ बिहार. बिहार के जो नए राज्यपाल हैं जो अलीगढ़ के पहले एमपी रह चुके हैं वो हैं सत्यपाल मलिक. हमारा 14th क्वेश्चन है, फॉर्मर असम गवर्नर हैज बीन मेड द न्यू गवर्नर ऑफ तमिलनाडु. जो नए गवर्नर बने हैं तमिलनाडु के जो पहले असम के गवर्नर थे वो हैं बनवारी लाल पुरोहित. हमारा 15th क्वेश्चन है, स्टेट विच हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन एंड कौशल्य योजना. कौन सा स्टेट लॉन्च किया है मुख्यमंत्री कौशल एंड संवर्धन एंड कौशल्य योजना? तो हमारा आंसर है मध्य प्रदेश. हमारा 16th क्वेश्चन है, स्पोर्ट पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छ अंतर मिशन. किस स्पोर्ट पर्सन को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ आंध्रा मिशन? तो हमारा आंसर है पीवी सिंधु. हमारा 17th क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल यूएन डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर 2017. 2 अक्टूबर 2017 को किस इंटरनेशनल यूएन डे को सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा आंसर है वर्ल्ड हैबिटेट डे. हमारा 18th क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एसबीआई. न्यू चेयरमैन ऑफ एसबीआई किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो हमारा आंसर है रजनीश कुमार. हमारा 9th क्वेश्चन है, द 14th इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन समिट वॉज हेल्ड इन दिस इंडियन सिटी. जो 14th इंडियन एंड यूरोपियन यूनियन समिट है वो किस इंडियन सिटी में हेल्ड हुआ? तो आंसर है न्यू दिल्ली. हाँ, 20th क्वेश्चन है, हॉलीवुड एक्टर विल बी ऑनर्ड विद द AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड. हॉलीवुड एक्टर जिन्हें AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो है जॉर्ज क्लोने. हमारा 21st क्वेश्चन है, नोबेल पीस प्राइज 2017 हैज बीन अवार्डेड टू दिस इंटरनेशनल कैंपेन. किस इंटरनेशनल कैंपेन को नोबेल पीस प्राइज 2017 अवार्ड किया गया? तो हमारा आंसर है इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स. हमारा 22nd क्वेश्चन है, इंडिया हैज अनवील्ड द थर्ड एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ. इंडिया ने अनवील किया है थर्ड एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. हमारा 23rd क्वेश्चन है, इंडियन क्रिकेटर रिटेन्ड हिज नंबर वन स्पॉट इन द लेटेस्ट ICC ODI बैटिंग रैंकिंग लिस्ट. किस इंडियन क्रिकेटर ने नंबर वन के पोजीशन को रिटेन किया है इन लेटेस्ट ICC ODI बैटिंग रैंकिंग लिस्ट में? तो हमारा आंसर है विराट कोहली. और 24th क्वेश्चन है, जन रक्षा यात्रा हैज बीन लॉन्च्ड इन दिस इंडियन स्टेट. किस इंडियन स्टेट में जन रक्षा यात्रा को लॉन्च किया गया? तो हमारा आंसर है केरला. हमारा 25th क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर है 28 सितंबर को. हमारा 26th क्वेश्चन है, द 2017 वर्ल्ड रेबीज डे थीम इज. 2017 का जो वर्ल्ड रेबीज डे था उसका थीम था रेबीज 0/30. हमारा 27th क्वेश्चन है, विच कंट्री ज्वाइंस इंटरपोल एज अ फुल मेंबर. अभी करेंटली किस कंट्री ने ज्वाइन किया है इंटरपोल को एज अ फुल मेंबर के रूप में? तो हमारा आंसर है पैलेस्टीन. हमारा 28th क्वेश्चन है, द वर्ल्ड मैरीटाइम डे. वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा आंसर है 28 सितंबर को. हमारा 29th क्वेश्चन है, द थीम फॉर 2017 वर्ल्ड मैरीटाइम डे इज. जो 2017 वर्ल्ड मैरीटाइम डे का जो थीम है वो है कनेक्टिंग शिप्स
ports and people. हमारा 13th क्वेश्चन है, इंडिया रैंक्स इन ग्लोबल कम्पिटेटिव इंडेक्स. इंडिया का रैंक ग्लोबल कम्पिटेटिव इंडेक्स में है 14th. 31st क्वेश्चन है, कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस सर्विस लॉन्च इन. देश का जो पहला फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस सर्विस है वो लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश में. हमारा 32nd क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द दीनदयाल हस्तकला संकुल अ ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एट. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया दीनदयाल हस्तकला संकुल ए ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर वाराणसी में. हमारा 33 क्वेश्चन है, मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज प्रलय श्याम हेल्ड इन. मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज प्रलय श्याम हेल्ड हुआ हमारा हैदराबाद में. हमारा 34th क्वेश्चन है, पीएम मोदी टू लॉन्च 24x7 इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल स्कीम नेम्ड. प्रधानमंत्री ने जो स्कीम लॉन्च किया 24x7 इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, उसका नाम है सौभाग्य. हमारा 35 क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट सेंटर फॉर एनिमल लॉ एस्टेब्लिश्ड एट. इंडिया का जो पहला सेंटर है एनिमल लॉ का वो एस्टेब्लिश्ड हुआ है नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इन हैदराबाद. हमारा 36 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2017 अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन. एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2017 एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके बीच, इंडियन एंड यूएस के बीच. हमारा 37 क्वेश्चन है, नेशंस फर्स्ट गवर्नमेंट मोबाइल वेट क्लिनिक लॉन्च्ड इन. नेशन का जो पहला गवर्नमेंट मोबाइल है वेट क्लिनिक वो लॉन्च हुआ तेलंगाना में. हमारा 38 क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टार्ट डीएनए डाटाबेस. पहला जो इंडियन स्टेट है जिन्होंने स्टार्ट किया डीएनए डाटाबेस वो है हमारा महाराष्ट्र. हाँ, 39th क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सेट अप फैमिली वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट कमेटी. पहला स्टेट जिन्होंने देश में पहली बार फैमिली वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट कमेटी को सेटअप किया वो है हमारा त्रिपुरा. हमारा 40th क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी. इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है, तो हमारा आंसर है 15 सितंबर. जिस बार का थीम था वो थीम था हमारा डेमोक्रेसी एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन. तो हमारा आज का पहला करंट अफेयर्स है, रॉजर फेडरर वॉन संघाई मास्टर टाइटल. रॉजर फेडरर वॉन द संघाई मास्टर एंड द क्लेम हिज 19th ग्रैंड स्लैम टाइटल इन विंबलडन टाइटल 2017. ही डिफीटेड राफेल नडाल. तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि संघाई मास्टर को किन्होंने जीता, संघाई मास्टर के टाइटल को किन्होंने जीता, तो हमारा आंसर होगा रॉजर फेडरर. ये भी पूछा जा सकता है कि रॉजर फेडरर ने संघाई मास्टर्स टाइटल में किसे हराया, तो हमारा आंसर होगा राफेल नडाल. तो क्वेश्चन दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एस्थर स्टॉबली बिकम फर्स्ट फीमेल रेफरी टू ऑफिशिएट अ मैच एट द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप. एस्थर स्टॉबली बिकम द फर्स्ट फीमेल रेफरी टू ऑफिशिएट अ मैच एट द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इन इंडिया. तो यहां से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहला कि जो फर्स्ट फीमेल रेफरी है उनका नाम क्या है, फर्स्ट फीमेल रेफरी जो एक ऑफिशिएट मैच करेंगे फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप में, उनका नाम है एस्थर स्टॉबली. हमारा फिर सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कहां होने वाला है, तो हमारा आंसर है इंडिया में होने वाला है. ठीक है, फिर हमारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्थर स्टॉबली जो कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के मैच को ऑफिशिएट करेंगे वो पहली महिला रेफरी हैं, ये भी पूछा जा सकता है सवाल. फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल अवार्ड फॉर बॉक्सिंग कोच संधू एंड डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक. प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद गेव अवे द नेशनल अवार्ड फॉर सीनियर सिटीजन टू इंडियन बॉक्सिंग कोच गुरबख्श सिंह संधू एंड लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक एंड मैनेजमेंट फॉर 2017 टू डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक. तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि द नेशनल अवार्ड फॉर सीनियर सिटीजनशिप टू इंडियन बॉक्सिंग किसको दिया गया, नेशनल अवार्ड फॉर सीनियर सिटीजन किसको दिया गया, तो इंडियन बॉक्सिंग कोच गुरबख्श सिंह संधु को दिया गया. और दूसरा पूछा जा सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड किन्हें दिया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड दिया गया बिंदेश्वर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को. फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है,
Iceland becomes the smallest nation ever to enter FIFA World Cup. Iceland become the smallest country ever to qualify for the final stage of the FIFA World Cup. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा स्मॉलेस्ट कंट्री है जिसने फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया था. हमारा आंसर होगा आइसलैंड. हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट है, राफेल नडाल विंस चाइना ओपन टाइटल. राफेल नडाल जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, वन हिज चाइना ओपन टाइटल. ही डिफीटेड निक क्रोजियोस ऑस्ट्रेलिया एट द चाइना ओपन 2017. तो यहां से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहला क्वेश्चन बनेगा कि राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी है. हमारा आंसर स्पेन के खिलाड़ी है. राफेल नडाल ने कौन सा अभी ओपन टाइटल जीता है, तो चाइना ओपन टाइटल जीता है. राफेल नडाल ने किस देश के खिलाड़ी को हराया है चाइना ओपन टाइटल में, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को हराया है. फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राफेल नडाल जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, उन्होंने चाइना ओपन टाइटल में किन्हें हराया, तो हमारा आंसर होगा निक क्राजियस को हराया. तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, टायरेल हटन रिटेन्स डनहिल लिंक चैंपियनशिप टाइटल. टायरेल हटन becomes the first man to retain the Alfred Dunhill Links Championship title. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन्होंने Alfred Dunhill Links Champion title को retain रखा है, तो हमारा आंसर है Tyrrell Hatton ने. फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपमा क्लिंचेज वर्ल्ड ओपन अंडर 16 स्नूकर चैंपियन टाइटल. इंडियाज अनुपमा रामचंद्रन क्लिंच द वर्ल्ड ओपन अंडर 16 स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल एट सेंट पीटर्सबर्ग इन रसिया. तो यहाँ से जो क्वेश्चन उठेंगे, पहला क्वेश्चन कि अंडर वर्ल्ड ओपन अंडर 16 स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल को किन्होंने जीता, तो हमारा आंसर होगा इंडियाज अनुपमा रामचंद्रन ने. यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुपमा रामचंद्रन जो कि एक स्नूकर प्लेयर हैं, वो किस देश से बिलोंग करते हैं, तो हमारा आंसर होगा इंडिया से बिलोंग करते हैं. कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से स्नूकर के खिलाड़ी कौन से हैं, तो हमें यह याद रखना होगा कि अनुपमा रामचंद्रन स्नूकर खेलते हैं. फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया इनवाइटेड फॉर 2022 एशियन कप्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री. ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA इनवाइटेड ऑस्ट्रेलिया टू कम्पीट एट एशियाड एशियन गेम्स इन 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम. द इनवाइट इज फॉर द सिलेक्टेड स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल एंड बास्केटबॉल टू एनेबल एथलीट्स टू क्वालिफाई फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स. तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि 2022 में जो एशियन गेम्स होने वाला है, उसमें किस कंट्री को इनविटेशन दिया गया, तो हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया गया है पहली बार. फिर हमारा ये पूछा जा सकता है कि किस स्पोर्ट्स के लिए इनवाइट किया गया, तो हमारा आंसर होगा फुटबॉल एंड बास्केटबॉल स्पोर्ट्स के लिए उन्हें इन्विटेशन दिया गया. हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कुलदीप यादव बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्पिनर टू टेक हैट्रिक इन ODIs. कुलदीप यादव 22 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम कानपुर बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पिनर टू टेक ए हैट्रिक इन ODI क्रिकेट ड्यूरिंग द सेकेंड मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट ईडन गार्डन कोलकाता. तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहला कि कौन से भारतीय स्पिनर ने पहली बार ODI में हैट्रिक लिया, तो हमारा आंसर होगा कुलदीप यादव ने. ठीक, किस देश के खिलाफ लिया, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिया. कहाँ पर वो खेल हो रहा था, तो ईडन गार्डन कोलकाता में खेल हो रहा था. तो यहाँ से जो क्वेश्चंस होंगे इस तरह से पूछे जा सकते हैं. पहला फिर से रिपीट करते हैं कि कुलदीप यादव जो भारत के पहले स्पिनर हैं, उन्होंने हैट्रिक मैच लिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ईडन गार्डन कोलकाता में. फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, खेलो इंडिया प्रोग्राम. द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट ₹1,756 करोड़ फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फॉर द रिवैम्पिंग ऑफ खेलो इंडिया स्कीम which has been taken with twin goals, sports for all and sports for excellence. Each athlete selected under this scheme will receive an annual scholarship worth 5 lakh for 8 consecutive years. तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहला पॉइंट जो है वो है खेलो इंडिया प्रोग्राम के जो रिवैम्पिंग है उसके लिए कितने करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे, तो हमारा आंसर है ₹1,756 करोड़. कितने पीरियड के लिए, तो फॉर 3 years के लिए. ठीक, अब इसमें जो है ईच एथलीट को एक एनुअल स्कॉलरशिप दिया जाएगा, वो कितने रुपयों का दिया जाएगा, तो RS 5 लाख का दिया जाएगा. कितने सालों तक दिया जाएगा, तो 8 consecutive years तक दिया जाएगा. तो यहाँ से ये तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं,
यहाँ से जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन आएगा कि खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कितना रुपया इन्वेस्ट करने जा रही है, तो आरएस 1756 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रही है। कितना पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रही है, तो 3 ईयर्स के लिए कर रही है, ठीक है। इस प्रोग्राम के तहत अंडर द स्कीम एक एनुअल स्कॉलरशिप दिया जाएगा एथलीट्स को, वो कितने रुपया का होगा, तो आरएस 5 लाख के लिए का होगा, और कितने सालों तक दिया जाएगा, तो 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए दिया जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लुइस हैमिल्टन वॉन सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स, मर्सिडीज ब्रिटिश फॉर्मूला वन ड्राइवर लुइस हैमिल्टन रजिस्टर्ड हिज 60th करियर वॉन एट द सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स, ही डिफीटेड फरारी सेबेस्टियन वेटल स्कोर। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है पहला कि किन्होंने अभी सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, हु वॉन सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स, तो हमारा आंसर होगा लुइस हैमिल्टन, ठीक। वो किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ब्रिटिश से, यानी कि ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं वो। कौन सा वो गाड़ी चलाते हैं, तो मर्सिडीज चलाते हैं, ठीक। किस, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि लुइस हैमिल्टन ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स में किसे हराया, तो हमारा आंसर होगा सेबेस्टियन वेटल स्कोर को हराया। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पीवी सिंधु विंस गोल्ड एट कोरिया ओपन सुपर सीरीज कंपटीशन, पीवी सिंधु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल एट द कोरिया ओपन सुपर सीरीज कंपटीशन। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड जीता है कोरिया ओपन सुपर सीरीज कंपटीशन में, तो हमारा आंसर होगा पीवी सिंधु। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोची टू होस्ट बीडब्ल्यूएफ सीनियर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF वर्ल्ड सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट हेल्ड इन राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम ऑफ कोची। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BWF सीनियर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो टूर्नामेंट होने वाला है वो कौन होस्ट करेगा, था हमारा आंसर है कोची होस्ट करेगा, ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है सेकेंड कि राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ है, तो राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम है कोची में। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश पादुकोण गॉट बैडमिंटन्स फर्स्ट लाइफ टाइम अवार्ड, बैडमिंटन प्रकाश पादुकोण कन्फेयर्ड विद द फर्स्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI फॉर हिज रिच कंट्रीब्यूशन टू द स्पोर्ट, ही इज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे सबसे पहला कि बैडमिंटन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें दिया गया, तो हमारा आंसर होगा प्रकाश पादुकोण को, ठीक। प्रकाश पादुकोण पहले रेसिपिएंट है बैडमिंटन फर्स्ट लाइफ टाइम अवार्ड के। फिर हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ से कि जो अवार्ड है बैडमिंटन फर्स्ट लाइफ टाइम अवार्ड ये किसके द्वारा दिया गया, तो हमारा आंसर है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BA के द्वारा दिया गया। किसे दिया गया, तो प्रकाश पादुकोण को दिया गया। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल सा कि प्रकाश पादुकोण किस खेल से एसोसिएटेड है, तो प्रकाश पादुकोण एसोसिएटेड है बैडमिंटन से। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है राफेल नडाल वॉन 2017 US ओपन टाइटल, राफेल नडाल जो स्पेन के खिलाड़ी हैं वॉन 2017 US ओपन टाइटल इन मेन सिंगल कैटेगरी, ही डिफीटेड केविन एंडरसन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो यहाँ से जो सवाल आएगा सबसे पहले कि US ओपन टाइटल 2017 किन्होंने जीता, तो राफेल नडाल। किस देश के लिए खेलते हैं, तो स्पेन के लिए खेलते हैं। किसे US ओपन टाइटल में राफेल नडाल ने किसे हराया, तो केविन एंडरसन को हराया। केविन एंडरसन कहाँ किस देश के खिलाड़ी हैं, तो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया फिनिशेस फिफ्थ एट मॉस्को शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप, इंडिया फिनिश्ड फिफ्थ इन द मेडल टैली विथ 1 गोल्ड एंड 2 सिल्वर मेडल्स एट द मॉस्को शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉस्को शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया का पोजीशन कितना था, तो फिफ्थ था, ठीक। इंडिया ने कौन कौन से मेडल्स जीते, तो 1 गोल्ड एंड 2 सिल्वर मेडल्स। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया वॉन सेकेंड सावा अंडर 16 चैंपियनशिप, इंडिया वॉन सेकेंड साउथ एशियन बास्केटबॉल इसका शॉर्ट फॉर्म है सावा अंडर 16 चैंपियनशिप, दे डिफीटेड भूटान बाय 131-50 इन इट्स लास्ट लीग मैच एट काठमांडू इन नेपाल। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकेंड सावा अंडर 16 चैंपियनशिप को किसने जीता, तो इंडिया ने जीता। सावा का फुल फॉर्म साउथ एशियन बास्केटबॉल।
सावा सेकेंड सावा अंडर 16 चैंपियनशिप में भारत ने किस देश को हराया, तो भूटान को हराया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जेम्स एंडरसन बिकम फर्स्ट इंग्लैंड बॉलर ओवरऑल थर्ड पेसर टू टेक 500 टेस्ट विकेट्स। जेम्स एंडरसन बिकेम द थर्ड पेसर सिक्स्थ बॉलर ओवरऑल एंड द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू टेक 500 टेस्ट विकेट्स। विंडीज पेसर कॉटनी वाल्स वॉज द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू अचीव द फीस्ट फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया ग्लेन मैकग्रथ। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछेंगे सबसे पहले कि फर्स्ट इंग्लिश बॉलर यानी फर्स्ट इंग्लैंड बॉलर हु टेक 500 टेस्ट विकेट्स, तो होंगे जेम्स एंडरसन, ठीक है। उसके बाद पूछा सकता है कि फर्स्ट फास्ट बॉलर हु टेक्स 500 टेस्ट विकेट्स, तो हमारे आंसर होंगे कॉटनी वाल्स। वो किस देश के लिए खेलते थे, तो वेस्ट इंडीज के लिए खेलते थे, ठीक है। तो यहां से एक और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जेम्स एंडरसन किस खेल से एसोसिएटेड है। तो जेम्स एंडरसन क्रिकेट से एसोसिएटेड है, किस देश के खिलाड़ी हैं, तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने पहला इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 500 भी टेस्ट विकेट्स लिए। फिर हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सोजर्ड मर्जीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ कोच ऑफ इंडिया मेन्स हॉकी टीम, हरेंद्र सिंह फॉर द वुमेन्स टीम। जॉर्ज मर्जीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ कोच ऑफ इंडिया मेन्स सीनियर हॉकी टीम एंड हरेंद्र सिंह वॉज अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ द सीनियर वुमेन्स टीम। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यू चीफ कोच ऑफ इंडिया मेन हॉकी टीम कौन है, तो जॉर्ज मर्जीन। जॉर्ज मर्जीन जो है वो भारत के न्यू चीफ कोच है इंडिया मेन्स हॉकी टीम के, और जो वुमेन्स हॉकी टीम के जो कोच है वो है हरेंद्र सिंह। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया टू होस्ट कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन 2019। इंडिया विल होस्ट द 2019 एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूथ जूनियर एंड सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो यहाँ से जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि विच कंट्री होस्ट कॉमनवेल्थ लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन 2019। तो हमारा आंसर होगा इंडिया। इंडिया होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 में। ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि इंडिया कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप किस ईयर होस्ट करेगा, तो हमारा आंसर होगा 2019। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राज्यवर्धन सिंह राठौर अपॉइंटेड एज न्यू स्पोर्ट्स मिनिस्टर। राज्यवर्धन सिंह राठौर इज अपॉइंटेड एज द न्यू यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्टर। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन्हें न्यू यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया, तो हमारा आंसर होगा राज्यवर्धन सिंह राठौर। हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट है महेंद्र सिंह धोनी इज द फर्स्ट विकेट कीपर टू अफेक्ट 100 स्टम्पिंग्स। फॉर्मर इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी बिकम द फर्स्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड क्रिकेट टू अटेन 100 स्टम्पिंग्स इन वन डे इंटरनेशनल। तो यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि विश्व के पहले विकेट कीपर जिन्होंने 100 स्टम्पिंग्स किया ओडीआई में, वह है कैप्टन, फॉर्मर इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ सिंपल एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी किस खेल से एसोसिएटेड है, तो हमारा आंसर होगा क्रिकेट से एसोसिएटेड है, और वह पहले विकेट कीपर है वर्ल्ड के जिन्होंने 100 स्टम्पिंग्स किया है ओडीआई में। फिर हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वह हैमिल्टन वॉन बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स। मर्सिडीज ब्रिटिश फॉर्मूला वन ड्राइवर लुइस हैमिल्टन वॉन 58th करियर रेस एंड गॉट बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हु वॉन बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स, तो लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पी वी सिंधु वॉन सिल्वर एट वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017। पी वी सिंधु वॉन द सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017। साइना नेहवाल वॉन ए ब्रॉन्ज इन द सेम टूर्नामेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 में, तो हमारा आंसर है पी वी सिंधु। ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पी वी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 में कौन सा मेडल जीता है, तो सिल्वर मेडल जीता है। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, तो साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लायनेल मेसी बिकम्स फर्स्ट इवर प्लेयर टू स्कोर 350 ला लीगा गोल्स। बार्सिलोना फॉरवर्ड लायनेल मेसी स्कोर्ड अ सेकेंड हाफ ब्रेस अगेंस्ट ऑलवेज बिकमिंग द फर्स्ट इवर प्लेयर टू स्कोर 350 गोल्स इन ला लीगा। तो फर्स्ट इवर प्लेयर जो पहला प्लेयर है जिन्होंने 350 ला लीगा गोल्स को अचीव किया है, वह है बार्सिलोना फॉरवर्ड लायनेल मेसी।
हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रोनाल्डो फर्स्ट टू बी नेम्ड मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर. रियल मैड्रिड फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो वन द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यूईएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2016 एंड 17. तो ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया, तो रियल मैड्रिड फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को. ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2017. जो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड था 2017 का वो था राजीव, पहला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया श्री देवेंद्र जो पारा एथलीट से, और श्री सरदार सिंह जो कि हॉकी से एसोसिएटेड है. तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर खिलाड़ी और जो उनका खेल है उसे जरूर याद रखिएगा नाम, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ देता है कि जो पारा एथलीट है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया उनका नाम क्या है, तो श्री देवेंद्र. इस तरह से सवाल घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, या यह पूछा जा सकता है कि सरदार श्री सरदार सिंह किस खेल से एसोसिएटेड है, तो हमारा आंसर होगा हॉकी. ठीक है, यही पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस हॉकी प्लेयर को दिया गया, तो दिया गया श्री सरदार सिंह को. तो किसी भी तरह से सवाल पूछा जा सकता है, तो आप खिलाड़ी जो खेल से एसोसिएटेड है उसका नाम और जो प्राइज उन्हें जो अवार्ड दिया गया वो तीनों याद रखिएगा. फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ध्यानचंद अवार्ड 2017. तो ध्यानचंद अवार्ड दिया गया भूपेंद्र सिंह जो कि एथलीट्स में है, मिस्टर सईद शाहिद हकीम जो कि फुटबॉल से एसोसिएटेड है, और मिस्टर सुमराई तेते जो कि हॉकी से एसोसिएटेड है. फिर हमारा नेक्स्ट है अर्जुना अवार्ड 2017. ठीक है, ये दिया गया मिस्टर बीजे सुरेखा जो आर्चरी से एसोसिएटेड है, मिस्टर खुशबीर कौर जो एथलेटिक्स से एसोसिएटेड है, मिस्टर अरोकिया राजीव एथलेटिक्स से एसोसिएटेड है, मिस्टर प्रशांति सिंह बास्केटबॉल से एसोसिएटेड है, सब लैस राम दिवेंद्रो सिंह जो कि बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है, मिस्टर चेतेश्वर पुजारा जो क्रिकेट से एसोसिएटेड है, मिस्टर हरमनप्रीत कौर जो क्रिकेट से एसोसिएटेड है, मिस ओनम बैम्बिंग देवी जो फुटबॉल से एसोसिएटेड है, मिस्टर एसएसपी चौरसिया जो गोल्फ से एसोसिएटेड है, मिस्टर एसवी सुनील जो हॉकी से हैं, मिस्टर जसवीर सिंह जो कबड्डी से हैं, मिस्टर पीएन प्रकाश जो शूटिंग से एसोसिएटेड है, मिस्टर ए अमलराज जो टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है, मिस्टर साकेत मयानी जो टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है, मिस्टर सत्या कैदान जो रेसलिंग से एसोसिएटेड है, मिस्टर मारियप्पन जो पैरा एथलीट से एसोसिएटेड है, एंड मिस्टर वरुण सिंह भाटिया जो पैरा एथलीट से एसोसिएटेड है. तो ये इस जो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड है इससे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये कि किस खिलाड़ी को इस ये अवार्ड दिया गया, दूसरा ये खिलाड़ी किस खेल से एसोसिएटेड है. ये तो यहाँ से दो तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं. फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2017 दिया गया श्री देवेंद्र जो पारा एथलीट है, और श्री सरदार सिंह जो हॉकी से रिलेटेड है. ध्यानचंद अवार्ड 2017 दिया गया मिस्टर भूपेंद्र सिंह जो एथलीट से एसोसिएटेड है, मिस्टर सईद शाहिद हकीम जो फुटबॉल से एसोसिएटेड है, एंड मिस्टर सुमई टेटे जो हॉकी से एसोसिएटेड है. और फिर हमारा अर्जुना अवार्ड 2017 जो दिया गया मिस विजय सुरेखा जो आर्चरी से हैं, मिस खुशबीर कौर जो एथलेटिक्स हैं, मिस्टर अरोकिया राजीव जो एथलीट्स हैं, मिस प्रशांति सिंह जो बास्केटबॉल से हैं, सब लक्ष्मण देवेंद्रो सिंह जो बॉक्सिंग से हैं, मिस्टर चेतेश्वर पुजारा जो क्रिकेट से हैं, मिस्टर हरमनप्रीत कौर जो क्रिकेट से हैं, मिस ओइनम बैमबैम देवी जो फुटबॉल से हैं, मिस्टर एसएसपी चौरसिया जो गोल्फ से हैं, मिस्टर एसवी सुनील जो हॉकी से हैं, मिस्टर जसवीर सिंह जो कबड्डी से हैं, मिस्टर पीएन प्रकाश जो शूटिंग से हैं, मिस्टर ए अमलराज जो टेबल टेनिस से हैं, मिस्टर साकेत मुनई जो टेनिस से हैं, मिस्टर सत्यव्रत कादियन जो रेसलिंग से हैं, मिस्टर मरियप्पन जो कि पैरा एथलीट हैं, और मिस्टर वरुण सिंह भाटिया जो कि पैरा एथलीट्स हैं. तो अर्जुना अवार्ड को में नाम बहुत ज़्यादा हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए चार नाम दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि किन्हें अर्जुना अवार्ड नहीं दिया गया. इसलिए जो भी इसके रेसिपिएंट हैं उन्हें ध्यान से देख याद कीजिएगा, और किस खेल से एसोसिएटेड है ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूज करने के लिए खेल और खिलाड़ी का नाम गलत दे दिया जाता है एग्जाम में.
तो हमारा पहला है करंट अफेयर्स है कि अमेज़न एंड माइक्रोसॉफ्ट टाइज अप टू लॉन्च डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म. अमेज़न वेब सर्विस AWS एंड माइक्रोसॉफ्ट हैव टीम्ड अप टू लॉन्च एन ओपन सोर्स एंड डीप लर्निंग इंटरफेरेंस ग्लूऑन दैट विल हेल्प डेवलपर्स टू डिप्लॉय मशीन लर्निंग मॉडल्स अक्रॉस सेवरल प्लेटफॉर्म्स. अमेज़न एंड माइक्रोसॉफ्ट ने टाई अप किया है और लॉन्च किया एक डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ग्लूकॉन. हमारा सेकेंड करंट अफेयर है मास्टर कार्ड लॉन्चेज इट्स फर्स्ट इनोवेशन सेंटर इन इंडिया. मास्टर कार्ड ने पहला इनोवेशन सेंटर अपना इंडिया में लॉन्च किया है. US बेस्ड फिनटेक कंपनी मास्टर कार्ड. मास्टर कार्ड कहाँ की कंपनी है? तो US बेस्ड फिनटेक कंपनी है. हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म मास्टर लैब्स इन पुणे. कहाँ लॉन्च किया है फर्स्ट इनोवेशन सेंटर? तो पुणे में. तो US बेस्ड फिनटेक कंपनी मास्टर कार्ड लॉन्च इट्स फर्स्ट इनोवेशन सेंटर इन पुणे इंडिया. हमारा थर्ड है द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ओपन्स न्यू GBS सेंटर इन बेंगलुरु. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ओपेंड इट्स ग्लोबल बिजनेस सर्विस. GBS स्टैंड फॉर ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज सेंटर इन बेंगलुरु विच विल डिलीवर सपोर्ट क्लाइंट ड्यू डिलीजेंस एंड एडवाइसरी सर्विसेज फॉर स्टैंडर्ड चार्टर्स कॉरपोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग कस्टमर्स. स्टैंडर्ड चार्टर बैंक ने नया GBS सेंटर बेंगलुरु में खोला है. GBS का मतलब होता है ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज, जिसका काम क्या होगा कि वो क्लाइंट को सपोर्ट करना और एडवाइसरी सर्विस देना स्टैंडर्ड चार्टर्स के जो कॉरपोरेट हैं और इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग कस्टमर्स हैं उनको. हमारा फोर्थ करंट अफेयर्स है PNB मेट लाइफ अपॉइंट्स आशीष कुमार श्रीवास्तव एज MD CEO. जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पंजाब नेशनल बैंक PNB मेट लाइफ अपॉइंटेड आशीष कुमार श्रीवास्तव एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. PNB मेट लाइफ जो कि एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने आशीष कुमार श्रीवास्तव को MD CEO के रूप में अपॉइंट किया. हमारा फिफ्थ है GOM सेटअप टू रिव्यू कंपोजिशन ऑफ स्कीम. GOM स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स. अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सेटअप अंडर असम फाइनेंस मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा टू मेक द कंपोजिशन स्कीम मोर अट्रैक्टिव एंड ऑल्सो रिविजिट GST रेट्स ऑन रेस्टोरेंट्स. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को के कमिटी को एक को सेटअप किया गया है जिनका काम है कंपोजिशन स्कीम को रिव्यू करना, जिसके हेड है असम फाइनेंस मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा. इनका काम क्या है? इनका काम है GST रेट को रिविजिट करना ऑन इस रेस्टोरेंट्स पर और कंपोजिशन स्कीम को भी रिव्यू करना. फिर से समझिए, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सेटअप किया गया है किनके अंडर? तो असम फाइनेंस मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के अंदर, जो कि रिव्यू करेंगे कंपोजिशन स्कीम को और आल्सो रिविजिट करेंगे GST रेट ऑन रेस्टोरेंट्स को. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सून लॉन्च फाइनेंशियल लिटरेसी ड्राइव इन 9 स्टेट्स. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज टू लॉन्च ए फाइनेंशियल लिटरेसी ड्राइव इन 9 स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी ड्राइव को लॉन्च करने जा रहे हैं 9 स्टेट्स में. वो 9 स्टेट्स कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, उड़ीसा है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है एंड उत्तर प्रदेश है. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन्स ब्रांच इन देहरादून. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपेंड ए ब्रांच इन देहरादून उत्तराखंड. द ब्रांच वॉज इनॉग्रेटेड बाई उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत. तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने न्यूली ब्रांच कहाँ ओपन किया है. तो हमारा आंसर होगा देहरादून उत्तराखंड में. उस ब्रांच को किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो हमारा आंसर होगा उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत. और ये भी पूछा जा सकता है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो हमारा आंसर होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूनियन गवर्नमेंट नेम्स रजनीश कुमार एज SBI नेक्स्ट चेयरमैन. द यूनियन गवर्नमेंट नेम्ड रजनीश कुमार एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर अ 3 years टर्म. ही सक्सीड्स अरुंधति भट्टाचार्य. तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्टेट बैंक के न्यू चेयरमैन कौन होंगे? तो हमारा आंसर रजनीश कुमार. रजनीश कुमार स्टेट बैंक के न्यू चेयरमैन होंगे. उनका कार्यकाल कितने दिनों का होगा? तो उनका कार्यकाल 3 साल का होगा, यानी 3 years टर्म होगा उनका.
वो किसको सक्सीड करेंगे, तो वो सक्सीड करेंगे अरुंधति भट्टाचार्य को. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यूनियन गवर्नमेंट कीप्स इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स. यूनियन गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज रखा है स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए. तो कौन कौन से वो सेविंग स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, तो पहला है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसके लिए एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 7.8%. जबकि किसान विकास पत्र, जिसको हम लोग केवीपी के नाम से जानते हैं, उसका एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 7.5%, एंड मैच्योरिटी होगा 115 मंथ्स. हमारा फिर नेक्स्ट जो है स्मॉल सेविंग स्कीम है, वो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जो ऑफर करता है 8.3% एनुअली, एंड जो हमारा 5 ईयर्स सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, वो ऑफर करता है 8.3%. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया जंप्स टू 14th रैंक एज अ बेस्ट कंट्री फॉर एक्सपेक्ट्स एचएसबीसी सर्वे. अकॉर्डिंग टू द एचएसबीसी सर्वे, इंडिया रैंक 14th इन द टर्म ऑफ बेस्ट कंट्री फॉर एक्सपेक्ट्स टू लाइव एंड वर्क. रहने और काम करने के लिहाज से जो एचएसबीसी के सर्वे के द्वारा अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक कितना है, 14th रैंक है. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इंक्रीज एनुअल लेंडिंग टू इंडिया टू $4 billion. द एशियन गवर्नमेंट बैंक विल इंक्रीज इट्स एनुअल लेंडिंग टू इंडिया टू ए मैक्सिमम ऑफ $4 billion बिटवीन 2018 एंड 2022 टू हेल्प फास्टन इंक्लूसिव इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन टुवार्ड्स अपर मिडिल इनकम स्टेटस. एशियन डेवलपमेंट है, जिसको हम लोग ADB के नाम से जानते हैं, वो एनुअल लैंडिंग जो है इंडिया का, वो इंक्रीज कर रहा है $4 billion तक. जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 2018 से 2022 के लिए. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, IDBI बैंक लॉन्चेज प्रोजेक्ट निश्चय. IDBI बैंक ने प्रोजेक्ट निश्चय को लॉन्च किया. IDBI बैंक लॉन्च्ड प्रोजेक्ट निश्चय इन पार्टनरशिप विद बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG टू एक्सलेट इट्स टर्न अराउंड प्रोग्राम एंड इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. IDBI बैंक ने प्रोजेक्ट निश्चय को लॉन्च किया किसके साथ, पार्टनरशिप करके, तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG के साथ. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच बैंक लॉन्चेज प्रोजेक्ट निश्चय, तो हमारा आंसर होगा IDBI बैंक. और 13th पॉइंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इजेज मिनिमम बैलेंस रूल्स ऑन सेविंग अकाउंट. जो सेविंग अकाउंट है हमारा, जो SBI का, उस पर एक मिनिमम बैलेंस रूल SBI के द्वारा लगाया गया था, उसमें थोड़ा ढील दिया गया, यानी थोड़ा छूट दिया गया. कितना छूट दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोअर द मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस, यानी MAB, मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट इन अ सेविंग अकाउंट टू 3000 फ्रॉम 5000. पहले कितना था, 5000 था, अब कितना हो गया, 3000 हो गया. यानी कि अब हमें मात्र 3000 रुपया ही मिनिमम बैलेंस के रूप में SBI के सेविंग अकाउंट में मेंटेन करना होगा. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, राजीव महर्षि टुक ओथ एज अ न्यू कैग. कैग का फुल फॉर्म होता है हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. जो हमारे फॉर्मर होम सेक्रेटरी थे राजीव महर्षि, उन्होंने कैग के रूप में ओथ लिया. कैग का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. तो राजीव महर्षि ने सक्सीड किन को किया, तो राजीव महर्षि सक्सीडेड शशिकांत शर्मा. और उनका टेन्योर कार्यकाल कितने दिनों का होगा, तो उनका कार्यकाल होगा 3 साल का. तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो नए कैग है इंडिया के, वो कौन है, तो हमारा आंसर होगा राजीव महर्षि. किसको सक्सीड किया उन्होंने, तो उन्होंने सक्सीड किया शशिकांत शर्मा को. उनका टेन्योर कार्यकाल कितने दिनों का होगा, तो उनका कार्यकाल होगा 3 सालों का. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट बैंक टू सेल इट्स लाइफ इंश्योरेंस यूनिट टू AIA ग्रुप फॉर $3 billion. ऑस्ट्रेलिया का जो लार्जेस्ट बैंक है, इसका नाम है कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो हांगकांग बेस्ड AIA ग्रुप हैज एग्रीड टू बाय द लाइफ इंश्योरेंस यूनिट ऑफ ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट बैंक कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट बैंक जो कि है कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसके लाइफ इंश्योरेंस को यूनिट को खरीदा है हांगकांग बेस्ड AIA ग्रुप. कितना में खरीदा है, तो $3 billion में खरीदा है. क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट बैंक कौन है, तो हमारा आंसर होगा कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया.
ठीक है, उसके लाइफ इंश्योरेंस यूनिट को किसने खरीदा है? तो हमारा आंसर होगा हांगकांग बेस्ड AIA ग्रुप में, ग्रुप ने खरीदा है। कितने में खरीदा है? तो $3 बिलियन में खरीदा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गूगल लॉन्चेस मोबाइल वॉलेट एंड पेटीएम पेमेंट्स ऐप टेज इन इंडिया। गूगल ने एक मोबाइल वॉलेट और पेमेंट ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? तेज। ये किस तरह का ऐप है? तो ये बोथ एंड्रॉयड एंड iOS यूजर्स के लिए ऐप है। इस ऐप से हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इस ऐप से वी लिंक देयर फोन्स टू देयर बैंक अकाउंट्स टू पे फॉर गुड्स इन अ फिजिकल स्टोर्स एंड ऑनलाइन। इसके थ्रू हम लोग अपने फोन को अपने अकाउंट से जोड़ सकते हैं ताकि हम लोग फिजिकल गुड्स, जो गुड्स इन फिजिकल स्टोर है ऑनलाइन, उसका हम लोग पेमेंट कर सकें। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तेज नाम का जो ऐप है उस ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो उस ऐप को लॉन्च किया है गूगल ने। ये किस तरह का ऐप है? तो ये दोनों तरह का ऐप है, एंड्रॉयड एंड iOS यूजर्स दोनों के लिए ये ऐप है। हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट है, एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्चेज UPI इनेबल्ड डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। एयरटेल पेमेंट बैंक जो कि अपने तरह का एक पहला फर्स्ट पेमेंट बैंक है जो कि एक UPI इनेबल्ड डिजिटल पेमेंट इन इंडिया में वो लॉन्च किया है। UPI का फुल फॉर्म हो सकता है पूछा जाए एग्जाम में, उसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने UPI इनेबल्ड डिजिटल पेमेंट इन इंडिया में लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि पहला पेमेंट बैंक है जिसने UPI इनेबल्ड डिजिटल पेमेंट को इंडिया में लॉन्च किया है। हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया फॉरेक्स रिजर्व टॉप $400 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। According to the RBI data, India's foreign exchange reserve rose past $400 billion for the first time ever. तो पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कितना से टॉप है? तो हमारा कितना से टॉप किया है? तो हमारा आंसर होगा $400 बिलियन से, जो कि ये फर्स्ट टाइम अचीव हुआ है। हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट है, HSBC टाइप विथ सादान। HSBC का फुल फॉर्म होता है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री एसोसिएशन सादान टू डेवलप अ डिजिटल इकोसिस्टम फॉर इंडियाज अनबैंक्ड सेगमेंट। HSBC ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है? माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री एसोसिएशन सादान के साथ। तो किसके लिए? तो टू डेवलप अ डिजिटल इकोसिस्टम फॉर इंडियाज अनबैंक्ड सेगमेंट के लिए। हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट है, रघुनंदन ऑनर्ड विथ कृषि प्रगति अवार्ड 2017 बाय NCDEX। रघुनंदन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वाज अवार्डेड कृषि प्रगति अवार्ड 2017 बाय नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड इन न्यू दिल्ली। तो इससे तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला, कृषि प्रगति अवार्ड 2017 किसे दिया गया? तो हमारा आंसर होगा रघुनंदन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, किसके द्वारा दिया गया? तो हमारा आंसर होगा नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NCDEX। तो NCDEX का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो NCDEX का फुल फॉर्म है एंड फॉर नेशनल, सी फॉर कमोडिटी, डी फॉर डेरिवेटिव्स, ई फॉर एक्सचेंज एंड एक्स लिमिटेड। तो हमारा आंसर होगा नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। कहाँ पर यह अवार्ड दिया गया? तो हमारा दिया गया न्यू दिल्ली में। तो यहाँ से तीन तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पेटीएम पेमेंट बैंक पार्टनर्स विथ NPCI फॉर रुपे डेबिट कार्ड। पेटीएम पेमेंट बैंक PPB पार्टनर्ड विथ NPCI, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टू लॉन्च अ रुपे पावर्ड डिजिटल डेबिट कार्ड। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा पेमेंट बैंक ने NPCI के साथ पार्टनरशिप किया है, किसके लिए? तो रुपे डिजिटल कार्ड के लिए। तो हमारा आंसर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक ने। हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पेयू टाइज अप विथ IRCTC। पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर पेयू अनाउंस इट्स कोलैबोरेशन टू प्रोवाइड यूजर अ सेफ एंड सिक्योर ऑप्शंस टू पे फॉर रेल टिकट बुक्ड वाया द IRCTC वेबसाइट एंड इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC। तो हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर ने IRCTC के साथ टाइप किया है? तो हमारा आंसर होगा पेयू ने। फिर ये पूछा जा सकता है IRCTC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस RS 100 क्वाइन
to mark M.G. Ramachandran's birthday century. The Reserve Bank of India will introduce 100 rupees coin to mark the birth century 100th anniversary of AIADMK founder late Dr. M.G. Ramachandran. तो यहाँ से भी दो तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं. पहला कि रुपीज 100 का जो क्वाइन है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस कर रही है वो किनके बर्थ एनिवर्सरी को मार्कअप करने के लिए यूज कर रही है. तो हमारा आंसर होगा एमजी रामचंद्रन बर्थ एनिवर्सरी. ये भी पूछा जा सकता है कि लेट डॉक्टर एमजी रामचंद्रन कौन थे. वो थे AIADMK के फाउंडर थे. यहां से दो तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं. हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट है लंदन टॉप्स इन 2017 ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स. जो ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स है उसमें जो टॉप किया वो किया लंदन ने. फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडसलैंड बैंक एंड भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन साइन एक्सक्लूसिवली एग्रीमेंट फॉर मर्जर. प्राइवेट सेक्टर लैंडर इंडसलैंड बैंक एंड इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन signed a confidently agreement for the proposed merger between them. तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा माइक्रो फाइनेंस कंपनी किस बैंक के साथ मर्जर करने जा रहा है. तो हमारा आंसर होगा कि भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन किसके साथ मर्जर करने जा रहा है. तो इंडसइंड बैंक के साथ मर्जर करने जा रहा है. यह हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पाकिस्तान्स हबीब बैंक टू पे $225 million न्यूयॉर्क fine for compliance failures. The New York Department of Financial Services DFS announced a fine of $225 million on Pakistan's Habib Bank Limited HBL and its New York branch for failure to comply with New York laws and regulations designed elect financial transaction. To question pucha ja sakta hai ki kis Pakistan बैंक पर न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने $225 million का फाइन इम्पोज किया है. तो हमारा आंसर होगा हबीब बैंक लिमिटेड HBL. फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हबीब बैंक लिमिटेड किस कंट्री का बैंक है. तो हमारा आंसर होगा पाकिस्तान का. ठीक, हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हबीब बैंक लिमिटेड जो कि पाकिस्तान का बैंक है उस पर कितने डॉलर का फाइन न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने लगाया. तो हमारा आंसर कितना होगा $225 million. इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्साइड लाइफ एंड पीएमसी बैंक टू टाई अप फॉर सेविंग प्रोडक्ट्स. जो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी बैंक टू ऑफर इट्स प्रोटेक्शन एंड सेविंग प्रोडक्ट्स टू द लेटर कस्टमर. तो किसके बीच टाइप हुआ, तो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस ने टाइप किया पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के साथ. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ टाइप किया, तो होगा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी बैंक के साथ. फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शंकर नारायण टेक चार्जेस एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विजया बैंक. विजया बैंक की जो नया एमडी और सीईओ है कौन है, आर ए शंकर नारायणन. विजया बैंक का फाउंड हुआ 1931 में. किनके द्वारा, ए बी सेठी के द्वारा. हाँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट है एचडीएफसी बैंक लिस्टेड इन डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिस्टेड एचडीएफसी बैंक एज अ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक अंडर द बकटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइड लास्ट ईयर. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीआई के द्वारा किस बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में लिस्ट किया गया. हमारा आंसर होगा एचडीएफसी बैंक. हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक गेट्स न्यू सीईओ एंड एमडी. तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के जो न्यू सीईओ एंड एमडी है वो है केवी रामा मूर्ति. तो ये पूछा जा सकता है कि केवी रामा मूर्ति किस बैंक के न्यू सीईओ एंड एमडी बने हैं. हमारा आंसर होगा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक. हमारा पहला करंट अफेयर्स है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज
is observed on 27th October. World Day for Audio Visual Heritage is observed globally on 27 October every year across the world. The theme of this year is Discover, Remember and Share. So days yaad rakhna hai ki kis din kaun sa date tha hamara aur uska theme important hota hai examination point of view se. So World Day for Audio Visual Heritage hai wo 27 October ko manaya gaya. Uska jo theme tha wo tha Discover, Remember and Share. जो हमारा नेक्स्ट है वह यूनाइटेड नेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24th अक्टूबर. यूनाइटेड नेशन डे कब ऑब्जर्व हुआ? 24th अक्टूबर को. फिर हमारा नेक्स्ट डे है वर्ल्ड स्टैटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th अक्टूबर. वर्ल्ड स्टैटिक्स डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है. पहली बार ये कब मनाया गया? 2010 में. फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हुआ है आयुर्वेदा सेकेंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 17th अक्टूबर. This year, second Ayurveda Day is celebrated on 17th October in New Delhi by the Ministry of Ayush. Prime Minister Narendra Modi will be the chief guest and will inaugurate the country's first All India Institute of Ayurveda at Sarita Bihar, New Delhi. तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है सबसे पहला कि आयुर्वेदा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो किया जाता है 17 अक्टूबर को. ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा. ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ है स्थित है? वह है सरिता बिहार न्यू दिल्ली में. तो यहाँ से तीन तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट वह वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16th अक्टूबर. द थीम फॉर वर्ल्ड फूड डे 2017 इज चेंज द फ्यूचर ऑफ माइग्रेशन, invest in food security and rural development. World Food Day जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है. इस बार का जो थीम है वो है change the future of migration, invest in food security and rural development. हमारा जो next point है वो है International Day of the Girl Child is observed on 11th अक्टूबर. The day theme is Power of Adolescent Girl Vision for 2030. जो International Day of the Girl Child है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है. इस बार का जो थीम है वो है Power of Adolescent Girl Vision for 2030. फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है World Space Week is observed from October 4th to October 10th. World Space Week is observed from 4th to 10th October. The theme of 2017 is Exploring New World in Space. तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड स्पेस वीक कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 4 टू 10 अक्टूबर. इस बार का जो थीम है वो है एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ल्ड इन स्पेस. फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वर्ल्ड टीचर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन 5th अक्टूबर. द थीम ऑफ 2017 वर्ल्ड टीचर्स डे इज टीचिंग इन फ्रीडम, एम्पावरिंग टीचर्स. तो यहाँ से डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि वर्ल्ड टीचर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 5 अक्टूबर को. और इस बार का जो थीम है वो है टीचिंग इन फ्रीडम, एम्पावरिंग टीचर्स. हमारा फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वर्ल्ड मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व ऑन 28 सितंबर. द थीम फॉर 2017 वर्ल्ड मैरीटाइम डे इज कनेक्टिंग शिप्स, पोर्ट्स एंड पीपल. तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? किया जाता है 28 सितंबर को. इस बार का जो थीम है वो है कनेक्टिंग शिप, पोर्ट्स एंड पीपल. फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड रेबीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 सितंबर. वर्ल्ड रेबीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 28 सितंबर को. इस बार का जो थीम है वो थीम है रेबीज 0/30. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन सितंबर 27th. द थीम फॉर द वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सस्टेनेबल टूरिज्म, अ टूल फॉर डेवलपमेंट. तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? किया जाता है 27 सितंबर को. इस बार का जो थीम है वो है सस्टेनेबल टूरिज्म, अ टूल फॉर डेवलपमेंट. फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड ऑन 21 सितंबर. इंटरनेशनल डे ऑफ द पीस ऑब्जर्व किया जाता है 21 सितंबर को. इस बार का जो थीम है वो है टुगेदर फॉर पीस, रिस्पेक्ट, सेफ्टी एंड डिग्निटी फॉर ऑल. फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व्ड ऑन सितंबर 16th. इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 16 सितंबर को. इस बार का जो थीम है केयरिंग फॉर ऑल लाइफ अंडर द सन. फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी
is observed on सितंबर 15th. इंटरनेशनल डे ऑफ द डेमोक्रेसी ऑब्जर्व होता है 15 सितंबर को. इस बार का जो थीम है वो है डेमोक्रेसी एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन. फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ऑन 8th. इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ऑन सितंबर 8th. द थीम ऑफ द यूनेस्को फॉर द वर्ल्ड ईयर 2017 इज लिटरेसी इन अ डिजिटल वर्ल्ड. तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब ऑब्जर्व होता है, तो होता है 8 सितंबर को. तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार का जो थीम है वो है लिटरेसी इन ए डिजिटल वर्ल्ड. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th अगस्त. नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th अगस्त एवरी ईयर टू मार्क द बर्थडे ऑफ ध्यानचंद. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है. मनाया जाता है 29 अगस्त को. किनके बर्थडे को याद किया जाता है उस दिन, तो क्या जाता है मेजर ध्यानचंद को, जो हॉकी के बहुत मशहूर प्लेयर थे. फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 19th अगस्त. वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 19 अगस्त को. इस बार का जो थीम है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे का वो है नॉट अ टारगेट. थीम क्या है, नॉट अ टारगेट. फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 13th अगस्त. वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 13 अगस्त को. फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हुआ इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड ऑन 12th अगस्त. इंटरनेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 12 अगस्त को. इस बार का जो थीम है वह यूथ बिल्डिंग पीस. तो इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है. इस बार का जो थीम है यह है यूथ बिल्डिंग पीस. फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह इंडिया सेलिब्रेट 75th क्विट इंडिया मूवमेंट. इंडिया जो सेलिब्रेट कर रहा है वो 75th क्विट इंडिया मूवमेंट के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है. इस बार का जो थीम है वह संकल्प सिद्धि द अटेनमेंट थ्रू रिजॉल्व. तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि इंडिया इस ईयर कितनावा क्विट इंडिया मूवमेंट सेलिब्रेट कर रहा है, तो 75th. और ये पूछा जाता है कि थीम क्या है, थीम है संकल्प से सिद्धि द अटेनमेंट थ्रू रिजॉल्व. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेशनल हैंडलूम डे इज ऑब्जर्व ऑन 7th अगस्त. नेशनल हैंडलूम डे 7th अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है. फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज ऑब्जर्व फ्रॉम अगस्त 1st टू अगस्त 7th. वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच सेलिब्रेट किया जाता है. इस बार का जो थीम है वो है सस्टेनिंग ब्रेस्ट फीडिंग टुगेदर. फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व ऑन जुलाई 28th. वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है. इस बार का जो थीम है वो है एलिमिनेट हेपेटाइटिस. फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो कि 15 जुलाई के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. इस बार का जो थीम है वर्ल्ड यूथ स्किल डे का जो थीम है वह है स्किल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ द वर्क. तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 जुलाई को. इस बार का जो थीम है वह है स्किल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ द वर्क. फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन जुलाई 11th. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. इस बार का जो थीम है वह फैमिली प्लानिंग एम्पावरिंग पीपुल डेवलपिंग नेशंस. तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार का जो थीम है वह फैमिली प्लानिंग एम्पावरिंग पीपुल डेवलपिंग नेशंस. तो डे के साथ हम लोगों को थीम भी याद रखना है क्योंकि दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में. यह वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमें शेयर करें एंड हमें लाइक करें. और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें. थैंक यू.